मालिक गुड मॉर्निंग मुदित दिवाकर तनिषा सारंग सानिका जिस शहर स्टेट या कंट्री से भी हैं आप लोग एवरी वन प्लीज सेटल डाउन क्विकली बहुत जगह खाली है भाई इस साइड राइट साइड में किसी को जगह चाहिए बहुत खाली है नहीं क्या गुड मॉर्निंग अब्दुल भाई यश प्राजक्ता एवरी वन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर Yes, pra Pravin. 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 सर आपको भैया बोल सकते हैं क्या जमाना बोल रहे भाई तू भी बोल दे सया मत बोलना बस थोड़ा तकलीफ आए बाकी तो कुछ भी बोल दो तो कोई तकलीफ नहीं है जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज जल्दी से जल्दी कॉल करके अपना यू नो सेटअप कर लें कल संडे के दिन वी विल ट्राई कि हमारा टेक्निकल टीम ओपन रहे ताकि आप लोग जितने भी लोग हैं वो सबके सब क्या कर सको टेक सपोर्ट के थ्रू आप ऐप के ऊपर ऑलरेडी शिफ्ट हो जाओ मंडे से हम लोग ऐप पे भी शिफ्ट हो जाएंगे ताकि आपको यू नो एक हैबिट रहे सर बुक पे फोटो मस्त है थैंक यू वो सारे वो फोटोशॉप का कमाल है चलो मालिक बैठ गए सब सबका चाय पानी नाश्ता थर्टी थर्टी सब डन और तो, थोड़ी तो जगह छोड़ो रे क्या मेरे को जाने के लिए तो जगह छोड़ो रे कहीं घूमने के लिए एक काम करते उधर का दीवार तोड़ के ना वो भी अंदर ले लेते ये ठीक है नहीं तो प्रेस्टीज को इधर से थोड़ा इधर एक्सटेंड करते ठीक है, है? स्नैप अच्छे से लो ऐसा नहीं है. फीस फीस ऑल्सो इनक्लूड स्नैप्स डेली आई नो स्नैप स्टिक्स नीड टू बी मेनटेन यस आप बोलो मैं अच्छे से पोस्ट भी कर दूंगा स्नैप के लिए अच्छे से पोस्ट भी कर दूंगा ऐसा कुछ नहीं है चलो चलो गुरु मालिक सब ओके सब सेटल पोस्ट भी होना चाहिए ना चलिए डन सिस्टम ऐसा रहता क्या क्या ऐसा सिस्टम इज दिस चलो चालू करेंगे यस अच्छा गुड मॉर्निंग आ रहा है आ रहा है आ रहा है मुझे याद आ रहा है कि हम लोगों ने कुछ पढ़ा था से यस yes. yes. चार वर्ड पढ़े थे लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन सभी लोग रिवीजन के अंदर में ध्यान देंगे मालिक एवरीवन ठीक है चलो मी इनकम टैक्स एक्ट सबसे पहले कब आया था नाइनटीन ट्वेंटी

कुछ तो थोड़ी जगह छोड़ दो क्या कर रहे हो तुम लोग बच्चों का तो प्यार है ही तभी तो ये इतना सब वो दीदी को जगह दो हाल नहीं 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 उसको बच्ची को जाने के लिए जगह दो थोड़ा सा हाँ जी चलो इसके बाद एवरीबडी प्लीज फोकस प्लीज फोकस प्लीज फोकस इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मालिक इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अगर आपको याद हो तो राइट इसके इसके बाद इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्ट के अंदर में सिर्फ एक्ट होते हैं या शेड्यूल्स भी होते हैं बेटा एक्ट के अंदर में कितने कितने सेक्शन है एक्ट के अंदर में कितने सेक्शन है 298 नाइनटी यहां से हम टैक्स में कहते हैं टैक्स ड्यूटी दोनों सेम वर्ड है अलग अलग है अलग है टैक्स में सिर्फ टैक्स आता है सरचार्ज सेस भी आता है सरचार्ज एंड सेस जो सेस सरचार्ज कलेक्ट होता है इट कैन बी यूटिलाईज ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पज याद आ रहा है क्या मालिक आपको ये yes, इसके बाद हम लोगों ने देखा था इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि टैक्स कलेक्ट करने का पावर आया है अंडर एंट्री नंबर एटी टू टू द यूनियन लिस्ट अगर कोई भी एक्ट अगर कोई भी टैक्स लगाना है तो उसके लिए लॉ चाहिए एवरी उसके लिए क्या चाहिए मालिक लॉ सो लॉ बनाने का पावर दो लोगों के हाथ में दिया है प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट यस प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट ऐसे दो लोगों के हाथ में लॉ बनाने का पावर दिया गया है अच्छा एक मिनट <laughs> आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे नाइनटीन सिक्सटी वन का लॉ हम दो हजार तेईस में पढ़ रहे हैं क्या एक्ट बदल रहा है हर साल यस 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 ना एक्ट नहीं बदल रहा है एक्ट में सिर्फ क्या आ रहे हैं अमेंडमेंट आ रहे हैं हाँ अमेंडमेंट वहां से आते हैं अरे यार बजट हाँ बजट फाइनेंस एक्ट से आता है एफ आर बी एम एक्ट से बजट हर साल इस तारीख को आता है कितने तारीख को आता है फर्स्ट फेब को आता है ये जो बजट आता है ना इलेक्शन के ईयर में दो और अदर में एक डू यू अग्री यस yes, अच्छा इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी बजट के अंदर के जो अमेंडमेंट होते हैं वो फाइनेंस एक्ट के अंदर में ऐड हो जाते हैं और आपको कवर होता है अच्छा कल मुझे कल मुझे दर्शन सर कह रहे थे वो कह रहे थे भैया हमारे कंपनीज एक्ट में तो उस कंपनीज एक्ट पढ़ना पड़ता है रूल्स पढ़ना पड़ता है मैंने बोला एक मिनट होल्ड ऑन इनकम टैक्स इज येट टू कम इनकम टैक्स के साथ साथ क्या क्या करना पड़ता है एक्ट रूल्स यस इतना सारी चीज पढ़नी पड़ेगी तो कम्युनिकेशन ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज इंटरनल कम्युनिकेशन स्कॉलर इज सर्कुलर मैंडेटरी टू डिपार्टमेंट यस अच्छा इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी यहां से हम आगे बढ़े थे हमने बात करी थी इनकम की ओर मेरे को अभिषेक सर मिले उनने बोला एवरी रिसिटीजन इनकम वो कहते हैं हमारे अकाउंट में तो एवरी रिसिटीजन इनकम हमने कहा आपके यहाँ होता होगा हमारे यहाँ हर रिसीट इनकम नहीं होती तो रिसीट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते क्या तुम्हें याद है क्या तुम्हें याद है रिसीट कितने प्रकार की होती बेटा दो पहली दूसरी कैपिटल रिसीट आर नॉट चार्जेबल टू रेवेन्यू रिसीट आर ऑलवेज चार्जेबल टू कैपिटल रिसीट के दो एग्जाम्पल दे दो एनी लाइबिलिटी एनी लाइबिलिटी एंड एन? पर्सनल इफेक्ट एनी लाइबिलिटी एंड पर्सनल इफेक्ट पर्सनल इफेक्ट के कुछ एक्सेप्शन है हाँ कहां पड़ेंगे कैपिटल गेन में एक आधी एग्जाम्पल तो बता दो

इसके बाद में हम आगे बढ़े पिन मनी वो जो बीवी चुबा चुबा के ले लेती है उसको बोलते पिन पिन मनी मनी चार्जेबल टू टैक्स नो बट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पिन मनी इज चार्जेबल टू टैक्स फिर था डिस्प्यूटेड इनकम क्या डिस्प्यूटेड इनकम केस में एओ को पावर है दोनों से कलेक्ट कर सकता है जब भी कोर्ट सेटल करेगा उसके बाद में एक को क्या मिल जाएगा रिफंड ठीक है इसके बाद में हमने बोला था क्या कॉन्ट्रीब्यूशन माय मेंबर इनकम है नहीं पर आप किसी को वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं डोनेशन दे रहे हैं तो जो इसको रिसीव हो रहा, उसके लिए इनकम है शानदार बेटा फिर हमने बात करी थी सोर्सेस ऑफ इनकम की सोर्सेज ऑफ इनकम कितनी है धरती पे अनलिमिटेड बट हेड्स ऑफ इनकम कितनी है पांच कुछ याद नहीं आ रहा मेरे ऐसे पांच हेड है आ, फिर हमने सुना था कि यहाँ पे दो वर्ड भी है जी टी आई टी आई याद रहे आ रहेगा ब्रो अरे हैश टैग ब्रो हाँ तो हम लोगों ने बात करी थी ग्रॉस टोटल इनकम सेक्शन 80 भी बोलता है ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालेंगे ये रुक, रुक 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 हाँ ये आगे 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 ये सब मिला दिया वो 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 दूसरे की इधर क्लविंग, क्लविंग इसमें से लॉस तो क्या बन जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करेंगे क्या बन जाएगा वी पे टैक्स ऑन सॉटेड ए ब्रो अच्छा एक मिनट एक मिनट रुक जाओ मतलब इस पूरे सब्जेक्ट में हमें करना क्या है सिर्फ टैक्स निकालना है पहले इनकम निकालना है इनकम पे टैक्स निकालना है आई यू गेटिंग द पॉइंट

पर ये जो दो लाख है सरकार इस पर टैक्स 10. नहीं लेना चाहती एंड दैट्स वाई द टोटल इनकम विल बी एज लैक सो इफ इनकम इज एक्सम इट इज नॉट काउंटेड इन टोटल इनकम और ऐसी सारी इनकम एक सेक्शन में लिखी है सेक्शन टेन ठीक है वॉट इज डिडक्शन पार्शियल एग्जम्पन इकोनॉमी को चलाने के लिए याद आ रहा है इकोनॉमी को चलाने के लिए आपको बोला जाता है आप क्या करो इन्वेस्टमेंट्स आप क्या करो बोलो जल्दी से इन्वेस्टमेंट इस इन्वेस्टमेंट को अगर आपने किया तो आपको हम इनकम टैक्स में से डिडक्शन देंगे एग्जाम्पल था एल म्यूचुअल फंड मेडिकल इंश्योरेंस याद आ रहा है मालिक डोनेशन टू वेरियस ट्रस्ट आपको क्या मिलता है डिडक्शन याद आ रहा है मालिक तो डिडक्शन हेड में से भी मिलते हैं डिडक्शन रॉस टोटल इनकम में से भी मिलते हैं बोलो हाँ भाई साहब यहां तक अब तक हमने पढ़ा है पिछले तीन दिन में हो गया पूरा रिवाइज अच्छा घर पे जाके पढ़ रहे हो क्या तुम लोग पक्का पढ़ रहे हो चलो बढ़िया कल संडे है तो कल क्या करोगे छुट्टी लेकर के टाइम पास करोगे उससे छा जाओ बोलो हाँ चलो डू वन थिंग आप सभी के सामने जनहित में जारी आपकी ये इनकम टैक्स की बुक है ये बुक आ गई है ठीक है टोटली अमेंडेड है मल्टी कलर है ठीक है हालांकि हमने पिंक से पर्पल नहीं बहुत सारे कलर रखे हैं इसमें चैप्टर वाइज बुक की अलग विशेषता है जहां अमेंडमेंट है उसको लाल किया हुआ है हेडिंग इज ब्लू रेस्ट इज ब्लैक क्लियर है मालिक इसके साथ साथ इसमें पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन कवर है वैसे आपका सिलेबस न्यू सिलेबस है आपको पास्ट एग्जाम से कोई लेन देन नहीं पर इनकम टैक्स नहीं बदला है सिलेबस बदला है तो पास्ट एग्जाम आपके लिए रिलेवेंट है आर टी का बेस्ट कंपाइलेशन इसमें दिया हुआ है मोर देन थ्री क्वेश्चन इसके अंदर में दिए हुए हैं सर इंस्टीट्यूट ने तो दो मॉड्यूल दिए हैं अपना सिर्फ ये एक है इसमें सब सत्रह चैप्टर कवर है इसके अलावा दूसरी चीज़ आपको जो मिलेगी वो मिलेगा क्वेश्चन बैंक वो इमीडिएट नहीं मिलेगा क्वेश्चन बैंक और चार्ट राइट right? ये आपको करीब करीब एक महीने के अंदर में मिलेंगे उसके पहले ही मिल जाएंगे बट मैं एक महीना इन टोटल पकड़ रहा हूं रीजन बींग मैं चाह रहा हूं कि कुछ नोटिफिकेशन सर्कुलर जो रीसेंट आए हैं वो भी इसके अंदर में क्या कर दूं इंक्लूड क्योंकि आपको याद होगा मे 24 के लिए आपको अक्टूबर तक का सब कुछ कवर होने वाला है तो जितना पॉसिबल है मैं उसके अंदर में इंक्लूड कर दूं ये मेरी इच्छा है तो वो दो चीज मिलेगी हाल फिलहाल में आपको इस एक बुक से ही काम चलाना है और इसके बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको यस yes, आज तक तुम्हारे से पहले जितने पास हुए रैंक आए सब आए वो सब इसी बुक से आए हुए तो किस कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस बारे में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी जितने बच्चे ऑनलाइन हैं इनकी बुक ऑलरेडी शिपमेंट में जा चुकी है मोर और लेस आपको पाँच से छः दिन में मिल जानी चाहिए मालिक यस yes, अगर आप नेपाल या दुबई से हैं इट विल टेक टेन टू ट्वेल्व डेज टू रीच देयर हाँ मतलब वहाँ पर भी जाता है फाइव हेड्स ऑफ इनकम नो है ना अपने को तो मेक श्योर अबे अपन मिडिल क्लास लोग है अपने को मेक श्योर sure करना है पांचों हेड से इनकम आए <laughs> अपने तो sure पांचों हेड से इनकम आए चलो धंधे पे ध्यान देते हैं एक बार प्लीज सेक्शन नंबर फोर पे जाओगे मेरे लिए सेक्शन नंबर फोर जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखाया था ठीक है हाँ तो जरा पहुंचो क्या था वो जरा देखते हैं एक बार प्लीज एक बार मेरे साथ सभी लोग रीड करें इनकम टैक्स इज पेएबल For any assessment year, at the rate specified by Annual Finance Act, in respect of total income of any person in previous year, अब इस पूरी डेफिनेशन में देखें तो हमने इनकम टैक्स वर्ड को पढ़ लिया टोटल इनकम वर्ड को पढ़ लिया लेकिन वहां का डेफिनेशन है वो अब तक हमने नहीं पढ़ा तो अस गो एंड स्टार्ट डेफिनेशन ऑफ पर्सन तो गो एंड स्टार्ट विथ द डेफिनेशन ऑफ पर्सन आखिर यह पर्सन क्या है आखिर यह पर्सन है क्या पर्सन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन टू सबसेक्शन थर्टी वन याद रखना अनलाइक योर कंपनीज एक्ट डी टी में सारे सेक्शन पहले नहीं पढ़ाए जाते जहां जहां वो वर्ड आते हैं वहां वहां उसे डिस्कस किया जाता है अनलाइक योर कंपनीज एक्ट जहां पे सारे सेक्शन पहले पढ़ा दिए जाते हैं डीटी में ऐसा नहीं होता डीटी में जहां जिस वर्ड की जरूरत होती है वो वहां उठाया जाता है गेटिंग इट तो सबसे पहले पर्सन क्योंकि सेक्शन हमें कह रहा था हमें पर्सन जानना बहुत जरूरी है क्या जानना बहुत जरूरी है बोले जल्दी से पर्सन yeah. जानना बहुत जरूरी है क्योंकि पर्सन नीड्स टू बी कवर्ड अंडर द इनकम टैक्स तो पर्सन में कौन आता है बेटे सबसे पहले बेटे सबसे पहले इसके अंदर में आता है इंडिविजुअल हु ऑल आर लाइबल टू टैक्स पहला पर्सन कौन कवर होता है इंडिविजुअल ठीक है इंडिविजुअल कवर होता है चलिए मेरे साथ आप सभी लोग डिस्कशन का पार्ट बनेंगे ठीक है चलिए बताइए हु इज इंडिविजुअल ऑल नेचुरल पर्सन इज एन इंडिविजुअल कैन आई से दिस इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज ऑल नेचुरल पर्सन डू इट इंक्लूड मेल डू इट इंक्लूड फीमेल डू इट इंक्लूड थर्ड जेंडर एज वेल यस yes, सो so, बिल्कुल कवर्ड है अच्छा ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ही हम थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इनकम टैक्स ने हमेशा से थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज किया है यस yes, तो एक बार क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं एक बच्ची फाउंडेशन की थी मैंने पढ़ाना शुरू किया था आपके बैच के पहले वाले बैच का क्वेश्चन है लड़की पूछती है सर इज एनिमल विच इज ऑल्सो नेचुरल अ पर्सन मैंने बोला बेटा एंटरटेनमेंट जो आप अक्षय कुमार की मूवी देख के आए हो ठीक है उसमें एक लाइन लिखी थी उसमें एक लाइन लिखी थी कि भैया ये सारी चीजें काल्पनिक है संबंध नहीं है है ना तो प्लीज इस तरह से मत इवन दो आर नेचुरल बट वी ऑल नो क्या वो इनकम कमा पाएंगे नहीं ना सो हम यहां पे किसको कवर कर रहे हैं मेल फीमेल थर्ड जेंडर हम कवर कर रहे हैं अच्छा मुझे बताइए माइनर को इनकम हो सकती है क्या फॉर एग्जाम्पल रिच रिच है ना माइनर को इनकम हो सकती है येस yes. सो so, क्या माइनर इज ऑल्सो लाइबल टू पे टैक्स एवरी वन प्लीज बी पार्ट ऑफ द डिस्कशन आपके दिल में जो है देखिए मैं आपको बहुत क्लियर बोल चुका हूं और अब तक शायद तीन से चार दिन में आपको समझ में आ चुका होगा मेरे को गुस्सा थोड़ा कम जमता है ठीक है और डिस्कशन अच्छा लगता है क्योंकि हम सबके इसमें माइंड ओपन होते हैं ठीक है तो आप ये बिल्कुल मत सोचो कि यार यहाँ पे इतने बच्चे बैठे हैं वो क्या सोचेंगे हंसेंगे अबे जिसको हंसना है हंसना देना कौन तेरे बारे में क्या सोच रहा है तू सोचेगा तो वो क्या सोचेगा समझ में आ रही बात छोड़ना, क्या तकलीफ है तेरे बॉडी को जब तू मरेगा जो कांधा देने वाले हैं उनमें वो चार में है क्या तो छोड़ना फिर क्या दिमाग लग रहा है तेल लगाने गया तू अपना डिस्कशन कर इज माइनर कैन माइनर अर्न इनकम इज माइनर ऑल्सो सब्जेक्ट टू टैक्स क्या लगता है दिल से हाँ या ना एनी वन हु नो एनी वन हु नो रेडी टू डिस्कस वेरी गुड ओके सो फॉलोइंग पीपल से नो ओके डन रेस्ट ऑफ ऑल से यस बराबर है हां तो सर क्यू नो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है इसलिए राइट right? हाँ जी तो एक डिस्कशन है एनी कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वाइड सो माइनर इज नॉट लाइबल टू टैक्स एनी वन हु इज लाइबल टू टैक्स हाँ हाँ भाई बोल एक मिनट गवर्नमेंट के केस में कॉन्ट्रैक्ट किधर है ऑब्लिगेशन है अंडरस्टैंड इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट इट्स एन ऑब्लिगेशन वे आर द क्वेश्चन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू टू पिक्चर जी उसके पेरेंट्स को लाइबिलिटी देंगे हम हम लाइबिलिटी उसके पेरेंट्स को देंगे एक मिनट इनकम तो माइनर की है ना सब अलग अलग है ना मतलब उसके पेरेंट उसकी मम्मी अलग उसके अलग। अच्छा मैं आपके भी हाफ पे एक सवाल पूछता हूं मान लो पप्पा मम्मी दोनों नहीं है अंकल भी हो सकते हैं ना अमेरिका में ही होंगे जरूरी थोड़े ना पॉसिबल है ना ये yes हम्म सर माइनर के पास पैन कार्ड नहीं है पॉइंट टू बी नोटेड सर इनने एक नया डिस्कशन छेड़ दिया है okay. चलो मैं दो मिनट इनकम से निकल के पहले इस डिस्कशन में घुसता हूं कैन माइनर हैव अ पैन कार्ड कैन माइनर हैव अ पैन कार्ड ये जितने जोर से यस कह रहे हैं ना इनका निकला है और जो कुछ नहीं कह पा रहे उनका निकला नहीं है अब तक <laughs> पैन कार्ड सर लेट्स कट द डिस्कशन द पॉइंट नंबर वन कैन माइनर हैव अ पैन कार्ड आंसर इज यस माइनर इज नॉट एन एज पैन कार्ड इज नॉट एन एज प्रूफ यस ये आपके टैक्स आइडेंटिफिकेशन के लिए है राइट right? तो ये पैन कार्ड माइनर का भी हो सकता है पॉइंट नंबर टू कैन माइनर अर्न इनकम आंसर इज यस माइनर कैन ऑल्सो हैव अ इनकम कैसे सर मान लो वो कोई गेम शो में गया डांस इंडिया डांस के अंदर में एंड ही वॉन द प्राइज ही अर्न दैट इनकम नो यस ये उसके स्किल एंड टैलेंट से क्लबिंग के अंदर में एक सेक्शन होता है सेक्शन सिक्सटी फोर वन ए जिसमें बताते हैं कुछ इनकम माइनर की ऐसी होती है जो क्लब नहीं होती दैट मीन माइनर ही उस पर टैक्स देता है और बची हुई जो इनकम होती है वो उसके पेरेंट्स के हाथ में क्लब होती है तो जैसा कि उन्होंने कहा Yes. तो ये डिपेंड करता है कौन सी इनकम है अब जैसे एक, 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 एक मान लीजिए अगर किसी बच्चे ने स्किल एंड टैलेंट से कमाया नाउ हियर स्किल एंड टैलेंट नॉट बिजनेस स्किल एंड टैलेंट को हम जनरल क्लॉज के अंदर में देखते हैं जिसका मतलब होता है उसने कोई ड्राइंग करी पेंटिंग करी डांस किया या स्पेशल टैलेंट से अगर कुछ कमाया है तो ये इनकम पे टैक्स माइनर को ही देना होता है इस पे पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होता फर्दर यही उसके बर्थडे पे जितना पैसा कमाया था उसने जितने सब लोगों को प्रणाम करके पैसा आया था ये पैसा लेट से उसने एफडी में रखा एफडी से इंटरेस्ट आया ये इंटरेस्ट इनकम ये स्किल एंड टैलेंट से आया है क्या नहीं तो ये पेरेंट्स के हाथ में क्लब होता है तो वी हैव टू डिस्कस दिस अंडर द चैप्टर ऑफ क्लबिंग बट द होल क्वेश्चन इज इज इंडिविजुअल ऑल्सो इंक्लूड माइनर यस सो इंडिविजुअल मीन्स नेचुरल पर्सन इंक्लूड्स मेल फीमेल हम ट्रांसजेंडर बोलने की जगह हम एल जी बी टी क्यू अदर कम्युनिटी भी कह सकते हैं कोई तकलीफ नहीं है राइट थर्ड जेंडर इज ऑल्सो द राइट वर्ड थर्ड जेंडर माइनर मैं क्या बोलता हूं फिर तो नॉन रेसिडेंट भी इंडिविजुअल कहलाया फिर तो नॉन रेसिडेंट भी इंडिविजुअल कहलाया बोलो हाँ, आ, फिर तो नॉन रेसिडेंट भी इंडिविजुअल कहलाया बोलो हाँ। आ, तो इंक्लूड नॉन रेसिडेंट ऑल्सो क्योंकि वो भी नेचुरली आते हैं इज दैट क्लियर सेकेंड पर्सन एच यू एफ पर्सन की डेफिनेशन में सेकेंड पर्सन एच यू एफ एच यू एफ का फुल फॉर्म नहीं आ रहा भाई सा मेरे को हिंदू अन डिवाइडेड फैमिली चलिए फिर मेरे साथ डिस्कशन का पार्ट बनिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यस ओके आर जैन कम्युनिटी एंड सिख कम्युनिटी ऑल्सो पार्ट ऑफ एच यू एफ आंसर इज ये देर ऑल्सो कंसिडर्ड एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू कैन विमेन भी करता एवरीबडी आपके मन में जो भी आ रहा है देखिए शांत मत रही है बोलिए कैन वुमेन भी करता ओके वुमेन कैन भी करता आर मेंबर ऑफ एच यू एफ एंड को पार्सनर ऑफ एच यू एफ सेम थिंग वॉट इज द डिफरेंस को पार्सनर कैन डिस्प्यूट अबाउट द पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी बट मेंबर्स कांट बिल्कुल सही बट डिफरेंस बताइए ना ये तो राइट right है ये राइट right हुआ डिफरेंस नहीं करें को पार्सन वो होते हैं जो फैमिली का पार्ट है मेंबर्स वो होते हैं जो आउटसाइड से आए हैं लेट मी गिव यू गुड एग्जांपल, देखो लिखना नहीं है सिर्फ सुनना सभी लोग प्लीज पे अटेंशन हाँ, मान लो ये है हरी और ये है चंदू दोनों मेरे मम्मी पापा हैं, ठीक है एक है हरी दूसरा है चंदू इन दोनों की मेहनत से और भगवान की दया से इनको तीन बच्चे हुए विनय विवेक विजू ठीक है अंडरस्टैंड इन दोनों की मेहनत से और भगवान की दया से इनको तीन बच्चे हुए विनय विवेक विजय ठीक है नौ ये लोग कौन हो गए पता है आपको ये लोग हो गए को पार्सनल ठीक है फिर विनय ने प्रियंका से शादी कर ली विवेक ने शीतल से शादी कर दी और विजय की पल्लवी से शादी हो गई ये तो बाहर की है जो हमारे घर पे आई हुई है <laughs> ये तो बाहर है ना जो हमारे घर पे आई है। हमने उसे अपने घर का क्या बनाया है Member. समझ में आया बहुत लोगों को पहली बार क्लियर होगा देर इज अ डिफरेंस समझ में ही बात अच्छा अब हिंदू लॉ क्या कहता है जरा समझिए देखिए हिंदू परंपरा में कभी भी कभी भी क्या किया जाता है जनरली ऐसा होता है कि एक मर्यादा के तहत बहू नहीं बोलती जो बोलता है वो कौन बोलता है बेटा इसीलिए जनरली हैज राइट टू डिवाइड द प्रॉपर्टी एंड मेंबर्स कांट बात तो ये हिंदू लॉ के संस्कार के हिसाब से चला आ रहा है एंड दैट इज द रीजन को पार्सनर कैन डिमांड अ पार्टीशन बट मेंबर कांट डिमांड अ पार्टीशन समझ में आ रही बात हा या ना अच्छा जी एक और पॉइंट एक और पॉइंट सर सर मेंबर कान डिमांड पार्टीशन बट को पार्टनर कैन ओके जी सर आ जाओ वापस देखते हैं सो so, अब बताइए क्या को पार्टनर और में अलग अलग है अलग yes. अलग है क्या एच यू एफ एक ही प्रकार का होता है एक से प्रकार का भी होता है आपको याद होगा तो दो टाइप के एच यू एफ होते हैं एक होता है दया भागा दूसरा होता है मिताक्षरा ठीक है एक होता है दया भागा दूसरा क्या होता है मिताक्षरा यह दया भागा क्या होता है दया भागा इज एप्लीकेबल टू वेस्ट बंगाल एंड आसाम या भागा इज एप्लीकेबल टू वेस्ट बेंगाल एंड आसाम वेर एज मिताक्षरा इज एप्लीकेबल टू रेस्ट ऑफ इंडिया टू रेस्ट ऑफ इंडिया अब दोनों में बेसिकेंसो कैसे अगर हम मिताक्षरा की बात करें ना वो कहता है द मूमेंट बेबी इज बॉर्न ही हैज राइट इन दूफ प्रॉपर्टी जबकि दया भागा कहता है दया भागा कहता है कि बच्चे को राइट तभी मिलेगा जब उसका पेरेंट डिमाइस हो जाए और उसको इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिलेगी तो दोनों में बस एक स्कूल ऑफ थॉट का डिफरेंस है है मिताक्षरा बोल रहा बचपन से उसको राइट right मिल जाएंगे जब से वो पैदा होगा तब से दया भागा बोल रहा है भैया जब वो जाएंगे तभी राइट्स मिलेंगे तब तक के तेको राइट्स मिलने वाले नहीं है आई यू गेटिंग द पॉइंट यस चलो uh, मान करके चलते हैं मान करके चलते हैं ठीक है कि अपन ने लट से इन दोनों की शादी करवा दी ठीक है तो ये दोनों की शादी हो गई अभी नाम क्या तेरा सर्वेश तेरा क्या बच्चे राइट right? रिया या हिया या। रिया तो रिया और सर्वेश का सपोज शादी हो गया कैन दे स्टार्ट एच यू या एच के लिए कोई फैमिली बिजनेस होना चाहिए कैन अ पर्सन स्टार्ट है एच यू कि कोई फैमिली बिजनेस होना चाहिए कई सालों से होना चाहिए सर्वेश

इज अ टैक्स प्लानिंग डिवाइस अब दोनों सीए थे, दोनों ने बोला दोनों मिलकर टैक्स बचाएंगे तो rather देन स्टार्टिंग द बिजनेस ओनली इन द नेम ऑफ सर्विस rather देन स्टार्टिंग द बिजनेस ओनली इन द नेम ऑफ रिया दे स्टार्टेड द बिजनेस इन द नेम ऑफ एच यू एफ आई यू गेटिंग इट बट एक क्वेश्चन है कैन दे स्टार्ट एच यू एफ नो क्यू तीन जनरेशन होनी चाहिए तीन जनरेशन होनी चाहिए तो भा, मेर, मेरा, मेरा भाई कह रहा है कि भाई तीन जनरेशन के पहले मतलब ये फिर इसका बच्चा फिर इसका बच्चा बराबर तो ये एच चालू कर पाएगा तो फिर यार एक मिनट मतलब विजय विजय को हुआ स्वास्तिक स्वास्तिक का जब बच्चा आएगा तो विजय एच चालू कर पाएगा फिर कोई भी चालू कर पाएगा जस्ट इन केस मैं थोड़े नए ख्यालों का हूं और मेरे को बच्चा हुआ ही नहीं तो मेरा तो हक ही खत्म कर दिया आपने तो मेरे और पापा और दादा मान लिया वो दोनों भी नहीं है उनको एच चालू ही नहीं करना पर मेरे को तो टैक्स प्लानिंग के हिसाब से करना है ना मान लिया उनकी इनकम कभी सरचार्ज में गई नहीं और मैं कभी सरचार्ज से नीचे आया ही नहीं अरे पॉसिबिलिटी है ना ब्रो है ना एवरी जनरेशन देर इज अ पर्सन हू चेंज द होल जनरेशन बराबर है कि नहीं तुम लोग यही तो करने जा रहे हो तुम अपने पूरे पीढ़ी का पूर्ण पीढ़ी का हिस्ट्री चेंज करने वाले हो अब मुझे एक बात बताओ फिर इन दोनों के हिसाब से तो यार मैं एच चालू ही नहीं कर सकता अच्छा एक और क्वेश्चन पूछू और थोड़ा डीप जाए हाउ एच यू एफ स्टार्टेड इज देर एनी प्रोसेस जैसे पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करना है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 हेलो अरे हेलो ट्रिंग ट्रिंग हेलो बराबर तू एच के लिए किधर रजिस्टर करना है अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट बहुत बढ़िया बेटा तो ये जो तुमने पढ़ा है ये कहाँ पढ़ा है बीसी के पढ़ा है मस्त। ठीक है और कुछ स्टैंडर्ड में पढ़ा है वॉट इफ आई टेल यू जो तुमने पढ़ा है वो सब गलत है माई होल लाइफ वॉज लाई नहीं एक्चुअली गलत नहीं है इंटरप्रिटेशनल डिफरेंस है और ये भी इंटरप्रिटेशनल डिफरेंस क्यों आया है मैं आपको बताता हूं आपको ये जिनने भी पढ़ाया दे माइट हैव लर्न द लॉ प्रायर टू 2005 थाउजेंड एंड फाइव एंड नॉट आफ्टर टू थाउजेंड एंड फाइव हिंदू हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड एंड फाइव चेंज द होल बॉल गेम पर प्रॉब्लम ये है डीटी में अमेंडमेंट्स होते हैं पर जब तुमको ग्यारहवीं में एचयूएफ सिखाया गया है अमेंडमेंट नहीं होते तो वो वही पढ़ा रहे हैं जो बुक में लिखा है इवन दो इट इज फार अगो अमेंडेडो नो तो चलिए आज आपके कुछ मस्त तो ओपन करते हैं आपके ख्यालों को ओपन करते हैं अंडरस्टैंड मालिक हुएफ की अगर मैं बात करूं हाउ एच स्टार्टेड बेटा एच यू एफ स्टार्ट होता है सेवन टाइम रिंगा रिंगा रोजेस से एच एफ स्टार्ट होता है सेवन टाइम रिंगा रिंगा रोजेस दैट इज मैरिज द मोमेंट आपका मैरिज होता है सेवन टाइम रिंगा रिंगा रोजेस कबूले 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 वहां नहीं आता हम हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं ठीक है राइट राइट सर मान लो अगर वो तारा सिंह ने सकीना को ऐसा करके वो भी फिर हिंदू मानी जाएंगे क्या दैट इज नॉट आर कंसर्न बच्चे दैट इज नॉट आर कंसर्न लो हो गई अब ये सीखनी दैट इज नॉट आर कंसर्न कंसर्न इज वेरी सिंपल चलो कम ऑन अंडरस्टैंड मूवमेंट आपका सेवन टाइम रिंगा रिंगा रोजेस हुआ दैट इज आपकी शादी हुई यू आर रेडी टू क्रिएट एच यू एफ आई यू गेटिंग द पॉइंट के लिए कहीं रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती इसलिए आपने फाउंडेशन में पढ़ा था एच यू एफ इज क्रिएटेड बाई अ स्टेटस तो जैसी आपका मैरिटियल स्टेटस चेंज होता है आपका एच यू एफ क्रिएट करने के लिए आप रेडी हो जाते हो थर्ड पॉइंट एच को कहीं रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं बट आपको एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन करके उसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पैन अप्लाई करना पड़ता है द मूवमेंट आपने पैन अप्लाई किया इनकम टैक्स के हिसाब से आपका एच क्रिएट हो गया आई यू गेटिंग द पॉइंट सो पहला हाउ एच यू एफ इज क्रिएटेड हाउ एच यू एफ इज क्रिएटेड सबसे पहले आपकी क्या होनी चाहिए मैरिज होनी चाहिए राइट right? फिर आपका क्या होना चाहिए ज्वाइंट इंट बैंक अकाउंट और तीसरा आपके पास क्या होना चाहिए बोलो जल्दी से पैन अगर ये तीन कंडीशन हो जाती तो एम सी क्यू एच यू एफ इज क्रिएटेड बाय स्टेटस नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अब किसी नालायक के मन में सवाल जरूर उठेगा सर मेरी दो शादी हुई तो मेरी दो शादी हुई तो हम हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं हिंदू लॉ यहां परमिटेड नहीं है हाँ सर लेकिन ऐसा तो हो सकता है पहले वाले से शादी किया फिर ड्राई वॉश हुआ फिर दूसरे वाले से पहला वाला एच बंद दूसरा वाला एच स्टार्ट हमारे यहाँ मल्टीपल अकाउंट्स नहीं पॉसिबल है समझ में बात हम हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं हाँ हा, हम अदर लॉ की बात कर रहे हैं माइंड भी पॉसिबल एज पर देयर लॉ वी टोटली अग्री टू इट वी टोटली रिस्पेक्ट टू इट हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाओ यस हाउ एच यू एफ इज क्रिएटेड एवरीबॉडी तो आज जाना आज जाना वो छोटे निब्बा से पूछना ट right? वो जो फाउंडेशन वाले निम्बाबी ना उनसे पूछने का बोल बेटा एच कैसे होता है वो भी तुम्हारे जैसे बोलेंगे बोले थ्री जनरेशन अरे थ्री जनरेशन तक के क्या होगा स्टेटस वेट करवाओ क्या मेरा यूफ स्टार्ट कर सकते हो जैसी आपकी मैरिज हुई वैसी ठीक है अब दूसरी चीज दूसरी चीज टाइप ऑफ एच टाइप ऑफ एच बोलो कौन सा टाइप है भैया दो टाइप है एक है जेठालाल की बीवी दया भागा और दूसरी है बोलो बेटा मिथाक्षरा राइट या भागा, भागा इज एप्लीकेबल केबल एप्लीकेबल टू <laughs> तो वेस्ट बंगाल एंड असम मिताक्षरा रेस्ट ऑफ इंडिया वी ऑल लव जेठालाल ब्रो अच्छा क्या मैं कह सकता हूं इनकम टैक्स को दोनों से फर्क नहीं पड़ता बोथ आर कवर्ड इन इनकम टैक्स यस बोथ आर कवर्ड इन इनकम टैक्स सर तीसरी चीज वाई एच यू एफ इज क्रिएटेड एक शब्द टैक्स प्लानिंग चोरी दट्स अ गुड वर्ड लेट इज नॉट डिग्रेड आर प्रोफेशन प्लानिंग यू गेट सेपरेट बेसिक एग्जामिशन लिमिट फॉर एच यू एफ इसे एक सेपरेट पर्सन मान लिया गया है अच्छा अच्छा सर सर और डीप में चलते हैं सर कैन अ पर्सन बी मेंबर इन टू एच यू एफ क्या ना पर्सन बी एच इन टू मेंबर टू एच एफ कैन अम्बर कैन अ पर्सन बी मेंबर इन टू एच ओ हा या ना विमेन विमेन नहीं हंसने वाली बात नहीं है विमेन वो अपने डैड के एच में भी रहती है और अपने पति के एचओ में भी रहती है इसीलिए तो कहा जाता है महिला बहुत बड़ी चीज है वो दो घर को संभालती है समझ में आ रही बात और ये बेसिक भी है वो अपने डैड के एच में तो रहती रहती है अपने हस्बैंड के एच का भी पार्ट होती है सो वुमेन प्लेज अ डूअल रोल शी कैन बी इन टू एच यस ये पॉसिबल है कोई तकलीफ नहीं है कैन वुमेन भी करता आंसर इज यस वुमेन कैन भी करता हिंदू अमेंडमेंट एक्ट 2005 ये करता बन सकती है ठीक है अच्छा जनरली हमने सुना है कि जो घर का मोस्ट सीनियर पर्सन होता है वही क्या होता है करता होता है बट डू यू फील दिस इज करेक्ट और कैन अ जूनियर और बाय म्यूचुअली इन अ फैमिली वी कैन डिसाइड द ही विल बी एच ओ एफ ही विल बी एच एफ और शी विल बी एच एफ कैन दिस बी डन यस आज देखिए हम हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में हमेशा ऐसा हुआ है कि डिसीजन जो लिए जाते हैं वो घर के सबसे सीनियर द्वारा लिए जाते हैं आज भी अगर आप देखोगे आपके दादाजी परदादाजी अगर होंगे तो डिसीजन भले ही वो दुकान में नहीं आते होंगे पर पप्पा आज भी कुछ करने से पहले उनसे डिसीजन लेते हैं बिकॉज दैट्स अ कल्चर आर कंट्री हैज ग्रोन अप विथ तो ऐसे में क्या किया गया जब लॉ बनाया गया तो कहा गया जो करता होगा जो फैमिली के हेड होंगे जनरली करता उसे बनाया जाता है क्योंकि डिसीजन मेकर वो होता है लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर वो बहुत ज्यादा सीनियर हो गए एंड इफ दे के नॉट टेक द डिसीजन तो उस केस में फैमिली में रिजोल्व की किसी जो यंग पर्सन बिजनेस को संभाल रहा है उसको क्या कर दिया जाए करता बना दिया जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि द मोस्ट सीनियर पर्सन विल बी यू नो करता ओनली मेंबर कैन म्यूचुअली डिसाइड हु कैन बी करता आर यू गेटिंग द पॉइंट

फर्म सी फर्म 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 इंक्लूड्स एलएलपी, फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, तो सी आगे भैया फर्म फर्म इंक्लूड्स एलएलपी अरे यार मेरे को ना दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं पता आपको तो पता है मैं एवरेज बच्चा हूं मेरे को दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं पता क्या प्लीज हेल्प करोगे फर्म और एल में डिफ़रेंस क्या है अच्छा टेक अ डिफरेंट पेन यहाँ लिखिए एक्सेप्ट फॉर 44 फोर ए डी फोर्टी ए ये लाइन अभी आपको नहीं समझेगी जब समझानी होगी मैं लेके आ जाऊंगा पर यह लाइन यहां लिख के रख दीजिए सेल्फ़ स्टडी करते वक्त बहुत काम आएगी ना ये लाइन में अभी आपको समझा पाऊंगा ना आप समझ पाओगे छोड़ देना मेरे को सिर्फ बेसिक डिफरेंस बताओ फर्म और एल, एल के बीच का चलो बताओ एवरीबॉडी स्टार्ट हाँ फर्म चलो पहले लाइबिलिटी पे डिस्कस कर लेते हैं फर्म हैज बोलो अनलिमिटेड लाइबिलिटी एवरीबॉडी एलएलपी हैज एलएलपी हैज लिमिटेड लाइबिलिटी डू यू अग्री लिमिटेड लाइबिलिटी अच्छा स्टॉप आई ऑब्जेक्ट आई ऑब्जेक्ट ऑल ऑफ यू एवरी वन ऑफ यू फॉर दिस लाइन एल एल पी हैज लिमिटेड लाइबिलिटी आपने यही बात बोली आप अपने स्टैंड पे खड़े हो मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूं एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड है ना आई स्टिल ऑब्जेक्ट आई ऑब्जेक्ट जी एल एल पी इज ऑल्सो फॉर्म ये तो हमने यही लिख दिया इंक्लूड एल एल पी पार्टनरशिप पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है यार ठीक है वो उसका फॉर्म हो गया ना अंडरस्टैंड इनकम टैक्स पर्पज के लिए जो लाइबिलिटी रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी अनलिमिटेड अंडरस्टैंड नहीं तो क्या होता था जरा समझना अभिषेक सर आरजे यशवंत डीके और मैं फिर जीबी सर एसएम सर एमटी सर ऐसा सब मिलके क्या करते थे आपको पता है एक एलएलपी बनाते थे और उसमें लाइबिलिटी लिख देते थे दस हज़ार बराबर बर? फिर एकत्व में वॉट इनकम कम्स बराबर हम क्या करते थे हर साल हम बोलते थे चलो एग्जिट करते हैं सबके सब हर साल न्यू पार्टनरशिप बनाएंगे हर साल एग्जिट करेंगे ठीक ए वो आती थी ए प्लीज टैक्स दो हम सबसे पहले जीबी सर को आगे कर देते थे दोज हु नो दिस लेजेंड आपको पता है अभी क्या होने वाला है एंड दोज डोंट आपने अल्ट्रा प्रो मैक्स व्यक्ति को मिस किया है ठीक है अब जीबी सर आपको लगता है जीबी सर इसको देते थे टैक्स लगता है इसको देते थे सब लोग बोलते थे इवन दो एक कंबाइंड रिसीट्स कंबाइंड इनकम करोड़ों में बट लाइबिलिटी इज लिमिटेड लाइबिलिटी इज लिमिटेड इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया लिमिटेड लाइबिलिटी में भी इनकम टैक्स में एक सेक्शन इंसर्ट किया गया देर इज अ सेक्शन सेक्शन 167 सिक्सटी सेवन सेक्शन 167 सिक्सटी फॉर इनकम टैक्स लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड ये एल एल पी एक्ट में नहीं किया गया ये इनकम टैक्स में किया गया इसीलिए आपने इसको फाउंडेशन में नहीं पढ़ा ये एल एल पी एक्ट इनकम टैक्स एक्ट में अमेंड किया कि भैया इनकम टैक्स पर्पज के लिए तो आपकी लाइबिलिटी कैसी रखी जाएगी अनलिमिटेड ही नहीं तो लोग क्या करते थे हर साल पाट एल एल पी बनाते थे हर साल तोड़ देते थे और अपनी लाइबिलिटी को लिमिटेड बोल करके बाहर हो जाते थे समझ में आ रही बात दूसरा आपको अगर याद हो दूसरा अगर आपको याद हो ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 से आती है और ये एल एल पी एक्ट टू थाउजेंड एंड एट से आती है इसके रजिस्ट्रेशन के लिए याद है क्या इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना पड़ता था आर ओ एफ और इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना पड़ता है आर ओ सी आर यू गेटिंग द पॉइंट यस पर इनकम टैक्स में बेटा बहुत क्लियर है जहां फर्म बोलेंगे वहां एल भी आ जाएगा जहां हम फर्म बोलेंगे वहां बाय डिफॉल्ट में एल आ जाएगा पूरे इनकम टैक्स में सिर्फ दो ही ऐसे सेक्शन है जहां फर्म का मतलब एल नहीं है फोर्टी फोर एडी फोर्टी फोर ए डी ए बस इतना याद रखना है। बाकी जब भी मैंने इनकम टैक्स में फर्म कहा एल एल पी गया सिर्फ दो सेक्शन इनकम टैक्स में ऐसे फोर्टी फोर एडी फोर्टी फोर ए डी ए क्लियर है मालिक तो चलो यहां तक के पर्सन में कौन कौन आया बोलो बेटा इंडिविजुअल एच यू एफ फर्म फर्म इंक्लूड एल एल पी चौथा चौथा कंपनी hmm. कंपनी क्या आप जानते हैं इनकम टैक्स में हमारे पास तीन कंपनी है इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी बट वो हाल फिलहाल में आपके समझने लायक नहीं है थोड़ा आगे समझेंगे हाल फिलहाल में वी हैव ओनली टू टाइप ऑफ कंपनी पहला लिख दो डोमेस्टिक कंपनी दूसरा लिख दो फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी एंड डोमेस्टिक कंपनी में डिफरेंस है आगे समझेगा पीजीबीपी पढ़ाते वक्त बट कंपनी का मतलब दो तरह की कंपनी डोमेस्टिक कंपनी कंपनी ऑल आर रजिस्टर्ड इन इंडिया आर कॉल्ड एज डोमेस्टिक कंपनी यस और देर इज फर्दर डेफिनेशन ऑल्सो और जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है फॉरन कंपनी बट दे आर ऑपरेटिंग इन इंडिया इसको भी हम पर्सन मानेंगे सो वेदर पेप्सिको इंडिया ऑल्सो लाइबल टू टैक्स इन इंडिया ये एफ सी स दे आर ऑल्सो लेबल टू टैक्स इन इंडिया डोमिनो इज ऑल्सो लेबल टू टैक्स इन इंडिया दे आर अर्निंग इनकम फ्रॉम इंडिया यस चलो कौन कौन से हो गए इंडिविजुअल एच यू एफ फर्म कंपनी ए पी बी यू आई ए पी बी यू आई एओपी का मतलब होता है असोसिएशन ऑफ पर्सन यहां मतलब होता है बॉडी ऑफ

मजदूर संघ रोटरी क्लब मजदूर संघ रोटरी क्लब्स, यस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया अंडरस्टैंड मेरे पास एक लैंड थी बराबर है सपोज कीजिए प्रेस्टीज की वो सामने वाली ये लैंड ओपन पड़ी हुई थी ये लैंड मेरे नाम से थी बट आई वॉज नॉट हैविंग फंड कि मैं इसके ऊपर बिल्डिंग बना दू ना मेरा कोई एक्सपीरियंस ठीक है तो यहां आए यहां आए यू you नो know, यहां आए अपने ऋषभ बिल्डर्स यस ऋषभ बिल्डर्स आए ऋषभ बिल्डर्स आकर के बोलते हैं ठीक है समझ में मेरे बात समझ रहे तुमको ऋषभ बिल्डर्स आकर के बोलते हैं कि सर एक काम करो लैंड आपकी ठीक है ऋषभ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड इस पर कंस्ट्रक्शन करेगा यू कीप सर्टन मनी प्लस टू थ्री शॉप प्लस फोर फाइव फ्लैट्स रेस्ट ऑफ ऑल वी विल सेल इट एंड वी क्रिएटेड वेंचर नाउ अंडरस्टैंड वैलिड इन इंडिया येस नाउ अगर आप देखोगे इसमें एक इंडिविजुअल है विजय और एक प्राइवेट लिमिटेड है रिशभ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड दोनों ने मिलकर के क्या किया एक एसोसिएशन फॉर्म किया जेवी इनकम टैक्स में इस एसोसिएशन को क्लासिफाई किया जाएगा एज एओ गेटिंग द पॉइंट तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में पर्सन और पर्सन क्या कर सकते हैं काम कर सकते हैं लेट लेटस अंडरस्टैंड राइट कि भैया ये डिसाइड हुआ कि भैया यहां से अप्पा बड़वन चौक तक के एक ब्रिज बनाना है बराबर है ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट जो था ये बहुत ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट था सो विजय एल एंड दर्शन एल ने मिल करके बोला कि भैया देख राधर देन कंपीटिंग विथ ईच अदर राधर देन कंपीटिंग विथ ईच अदर लेट्स कंप्लीट टुगेदर तो हमने क्या किया विजय एलएलपी एंड दर्शन एलएलपी ने क्या किया एक जेबी बनाई और जेवी बना करके बोला कि हम कंस्ट्रक्शन को लेंगे अब अंडरस्टैंड कीजिएगा अंडरस्टैंड कीजिएगा इज इट पर्सन और पर्सनस इसमें अगर आप देखोगे दोनों एलएलपी है दोनों मिलकर के साथ में आ रहे हैं अब यह एसोसिएशन को आप क्या कहोगे एसोसिएशन ऑफ पर्सनस तो जहां इंडिविजुअल कंपनी मिल जाए फॉर्म कंपनी मिल जाए कंपनी कंपनी मिल जाए ऐसे सारे केसेस को इनकम टैक्स में क्या क्लासिफाई किया जाता है एओपी बराबर है इसको कहा जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन सो इट कवर्स पर्सन और पर्सनस इट कवर्स पर्सन और पर्सनस फॉर एग्जाम्पल जेवी बिटवीन विजय एंड शभ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड तो ये हो गया आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन ज्वाइंट वेंचर्स मेनली इसमें कवर होते हैं राइट right? ज्वाइंट वेंचर करके कोई इनकम आई सर पर आप इसे पार्टनरशिप भी तो बोल सकते हो बेटा पार्टनरशिप हैज टू बी रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू हमको पार्टनरशिप में जाना ही नहीं है सिर्फ लिमिटेड पीरियड कॉन्ट्रैक्ट है जे भी बना लो समझ में आ रही हुआ दूसरा होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब ऐसे सारे इंडिविजुअल मिलकर के अगर कोई काम कर रहे हैं तो हम इसे कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल तो मान लीजिए मान लीजिए विजय एंड यशवंत ठीक है दोनों ए पी धिल्लो के फैन थे राइट विजय एंड यशवंत दोनों भी ब्राउन मुंडे किसके फैन थे ए पी ढिल्लो के फैन थे दोनों ने बोला यार देख एक काम करते हैं अपन ना एकत्वम के अंदर में ही एक कॉन्सर्ट रख देते हैं वैसे भी कॉन्सर्ट में जितने लोग आते वो यहां पे है ही <laughs> तो अपन एक काम करते ए पी ढिलो का एक कॉन्सर्ट रख देते ठीक है तू और मैं मस्त एपी ढिल्लो सर को क्या करेंगे पांच करोड़ रुपए देंगे राइट अपन यहां पे स्टॉल्स लगाएंगे खाने पीने के एटसेट्रा एटसेट्रा के स्टॉल्स लगाएंगे टिकट्स बेचेंगे पैसे आएंगे ठीक है इससे आएंगे सात करोड़ रुपए जो दो करोड़ रुपए है वो तू और मैं विजय एंड यशवंत क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पे दो इंडिविजुअल जुड़े इंडिविजुअल इंडिविजुअल जुड़े इंडिविजुअल 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 जुड़े टेक्निकली कर ये भी जेवी रहे हैं टेक्निकली कर ये भी जेवी रहे हैं पर जब दो इंडिविजुअल जुड़ जाए वी कॉल इट एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यहां इंडिविजुअल प्लस फॉर्म इंडिविजुअल प्लस कंपनी इंडिविजुअल एच यू जुड़े हम इसको क्या कहेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन आर यू गेटिंग द पॉइंट अब जैसे रोटरी क्लब हो गया रोटरी क्लब के अंदर में क्या होता है सारे इंडिविजुअली मेंबर होते हैं राइट right? मजदूर संघ हो गया मजदूर संघ के अंदर में सारे लेबर होते हैं कॉमन कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करते हैं यस कॉमन कंट्रीब्यूशन इज नॉट एन इनकम ये कॉमन कंट्रीब्यूशन का एफडी कर देते हैं उससे इंटरेस्ट आता है दैट इज एन इनकम टिंग द पॉइंट तो ये जो इनकम आई अब उसको कैसे क्लासीफाई किया जाएगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ये फिर आपने देखा होगा ट्रस्ट आपने क्या देखा होगा ट्रस्ट अब ट्रस्ट के जितने भी मेम्बर्स होते हैं आपने कभी देखिए ये सारे इंडिविजुअल होते हैं तो ये जो ट्रस्ट है दैट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल तो ये जो ट्रस्ट भी होता है यह क्या होता है बेटा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो मिल करके कोई बिजनेस कर रहे हैं कोई एक्टिविटी रन कर रहे हैं इससे क्या आ रहा है कोई इनकम इज दट क्लियर आ जाइए इनकम टैक्स डज नॉट मेक अ डिफरेंस बिटवीन एओपी पी बी आई दोनों को सेम कैटेगरी में रखता है तो चलो कौन कौन पर्सन की डेफिनेशन में कवर हो गए इंडिविजुअल एच यू एफ फर्म कंपनी एओपी बी ओ आई नेक्स्ट इज लोकल अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी सर क्या लोकल अथॉरिटी को भी टैक्स देना पड़ता है ऐसा कोई बचा ही नहीं जिसे डिपार्टमेंट ने ठगा ही नहीं मुंसिपल कॉरपोरेशन ग्राम पंचायत ग्राम समिति लोकल अथॉरिटी भी इनकम टैक्स में कवर है दे आर ऑल्सो लाइबल टू पे टैक्स सर बट मुंसिपल कॉरपोरेशन कौन सा इनकम कमा रही होगी नहीं कमाती मुंसिपल कॉरपोरेशन प्रॉपर्टी टैक्स वाटर टैक्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाटर सप्लाई फिर प्रॉपर्टीज रेंट पे देते हैं जगह जगह पे कि भैया तुम यहां अपना छोटी सी दुकान लगा दो ठेला लगा दो ये सब इनके लिए इनकम है ना ब्रो फिर इनका इतना करोड़ों रुपए जमा है ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे पैसा आता है इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आता है ये सब इधर कवर होता है ना हाँ जी अब इनकम टैक्स ने लॉ बनाते वक्त बड़ा दिमाग लगाया उन्होंने कहा देखो हमने इतने परसेंट तो बना दिए लेकिन ये जो लोग हैं ना ये जो लोग हैं, ये बड़े चालाक लोग हैं। लॉ को कुछ भी इंटरप्रिट करेंगे और आगे चल के ये कुछ भी बदल देंगे नया पर्सन क्रिएट कर देंगे उन्होंने छठवा कैटेगरी बना दी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन जिसको प्यार से कहा जाता है एजेपी अगर आप ऊपर किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे तो आप एजेपी हैं क्या बोला वापस बोलो अगर आप ऊपर के किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे तो इनकम टैक्स ने किसी छोड़ा ही नहीं इनकम टैक्स ने बोला आपको एजेपी मान लेंगे इफ नॉट कवर्ड इन एनी ऑफ दबाव तो आप क्या हो गए एजेपी सर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी अब आप ट्राई करके देख लो इज यूनिवर्सिटी एन इंडिविजुअल हाँ या ना नो no, वो कोई नेचुरल पर्सन नहीं है इज इट अच यू एफ नो इज इट अ फर्म नो इज इट अ कंपनी नो इट इज ईपी नो इट इज लोकल अथॉरिटी नो कवर इन एजेपी इट इज कवर्ड इन एजेपी तो इनकम टैक्स में यूनिवर्सिटी हो गई फॉर दैट मैटर पॉलिटिकल पार्टी हो गई पॉलिटिकल पार्टी को आप दोनों जगह क्लासिफाई कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी कैन ऑल्सो बी बी ओ आई Political party AJP, अगर वो BOI में में नहीं हुई, yes, जैसे registered political party, BOI है, but unregistered political party, मतलब एक 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 छोटा सा area के अंदर में एक भाव ने अपना अपना अलग कर दिया unregistered है एजेपी में आ जाएगा रजिस्टर्ड है बीओ में जाएगा गेटिंग इट और नॉट फिर इसके बाद में फिर इसके बाद में आपके अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट अन रजिस्टर्ड ट्रस्ट देख अगर ट्रस्ट रजिस्टर्ड है तो इट कैन बी एओपी बीवाई बराबर है बरे बरे। अब आपने मान लीजिए ट्रस्ट तो बना दिया लेकिन अभी तक सरकार से क्या नहीं आया अप्रूवल नहीं आया इसको ट्रस्ट का अप्रूवल नहीं आया पर इनकम आ रही है लेट मी गिव यू एन एग्जांपल लेट मी गिव यू एन एग्जांपल एक खेत ओपन करते वक्त अंदर से विष्णु भगवान की मूर्ति निकली श्रद्धा के हिसाब से उसने उस मूर्ति में वहीं खेत में ही क्या बना दिया मंदिर बना दिया जैसे आप लोगों में से अगर बहुत सारे लोग अग्रवाल माहेश्वरी या मारवाड़ी होंगे तो आप जानते होंगे सालासर बालाजी इन राजस्थान यस yes, अभी उसका हिस्ट्री ऐसा है कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति को क्या मिला था कि भैया सपने में आए थे भगवान कि यहाँ पे मूर्ति है फिर वहाँ पे मूर्ति स्टैब्लिश हो गई मंदिर बन गया नो no अंडरस्टैंड आपने ये सारा सेवा धर्म का काम कर दिया जिस भी कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हैं ये आपने कर दिया नो no अंडरस्टैंड जब तक कि इसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता पर लोगों की श्रद्धा आ गई वहां पे वहां पे डोनेशन बॉक्स आ गया लोगों ने वहां पे पैसा देना चालू कर दिया लोगों ने पैसा देना चालू कर दिया कि भैया भव्य मंदिर बनाओ क्या बनाओ भव्य मंदिर बनाओ जैसे आपको पता होगा राम मंदिर के डिसीजन आने से पहले लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन करने चालू कर दिए थे कि राम मंदिर के लिए क्या करो कॉन्ट्रीब्यूट करना चालू करो अब अंडरस्टैंड दिस अंडरस्टैंड दिस जब तक के राम मंदिर पर डिसीजन नहीं आया रजिस्ट्रेशन नहीं आया राम मंदिर ट्रस्ट का पर इनकम तो जनरेट होनी चालू हो गई थी ये इनकम को असेस किया जाता था एओपी बोल के द मूमेंट इट कॉट रजिस्टर्ड अगले साल से इसको एओपी बीओ समझ में आ रही है बात आपको सो so ये हो गया आपका पर्सन का डेफिनेशन इतने लोग इनकम टैक्स में कवर्ड है अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं किसको छोड़ा किसी को छोड़ा नहीं क्या आप जानते हैं आज तक के ये डेफिनेशन को आज तक के ये डेफिनेशन को करीब छह बार एग्जाम में पूछा है पर्सन के डेफिनेशन को छह बार एग्जाम में पूछा है सिलेबस में अब देखते हैं क्या होता है पर छह बार पूछा है अब पूछा है तो लर्न भी करना पड़ेगा बोलो हाँ किसी के बिजी तो नहीं है ना अब देखिए डेफिनेशन को हाथों पे याद रखा जा सकता है इंडिविजुअल शर्माओ मत आजू बाजू वाला क्या करेगा छोड़ दो इंडिविजुअल एक आदमी इंडिविजुअल होता है एच यू एफ अनवाइडेड फैमली क्लियर है इंडिविजुअल एच यू एफ फर्म फर्म मिनिमम रिक्वायर टू पीपल येस वन टू थ्री स्टार्ट इंडिविजुअल एच यू एफ फर्म कंपनी कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न गेटिंग द पॉइंट वन टू थ्री स्टार्ट Yes no? जुअल ये सो नो स्टार्ट अगेन एओपी बी ओ आई लोकल अथॉरिटी आसपास जितना भी है सब लोकल अथॉरिटी का है रोड ये वो सब लोकल अथॉरिटी का आसपास वन टू थ्री स्टार्ट हाँ लोकल अथॉरिटी एजेपी और कुछ नहीं आया तो एजेपी हा रहा है आप पे याद रख सकता काय को दिमाग लगाने का वन टू थ्री स्टार्ट एवरीबॉडी बाडी मस्त जाने का रील बनाने का ठीक <laughs> है वो सावन को पानी आधे लोग परेशान हो जाएंगे चल क्या रहा आधे आधे परेशान हो जाएंगे चल क्या रहा फिर तुमको बचेंगे क्या ये क्या 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 कर क्या है तू? ना ना इस देश लाडो सी ए ये थिंग्स यस सो चीजों को इस तरह से याद रख सकते हो बट अगर आपने देखा होगा कल से कल से मैं पर्सन पर्सन नहीं असेसी असेसी बोले जा रहा हूं आपने इस बात को गौर किया मैं पर्सन पर्सन नहीं बोले जा रहा हूं मैं असहसी असेसी बोले जा रहा हूं तो इज देर अ डिफरेंस बिटवीन क्योंकि अब इतना दूर आए हैं तो थोड़ा और अंदर चलते हैं कि भाई पर्सन पर्सन नहीं हम असेसी असेसी कहे जा रहे हैं तो ये असेसी क्या होता है कैसेसी असेसी क्या होता है आओ असेसी कैसेसी सेक्शन टू सबसेक्शन सेवन अनदर डेफिनेशन सेक्शन टू सब सेक्शन सेवन एस एस सी एस एस सी हाँ जी इसका पूरा डेफिनेशन पढ़ो कई लोग आधा ही पढ़ाते हैं भाई तेरा पूरा पढ़ाएगा जो थारा भाई चार पार्ट ठीक है एवरी पर्सन एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स असएसी मीन्स एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स देखिए क्या शानदार डेफिनेशन बनी है क्योंकि इनकम टैक्स में हियर इन आफ्टर मैं पर्सन नहीं असेसी असेसी बोलूंगा और ऐसा क्यों बोलूंगा आपको अब समझ में आ जाएगा सेक्शन टू सब सेक्शन सेवन फोर टाइम आज इन एग्जामिनेशन इन ओल्ड सिलेबस यस, फोर टाइम ऑलरेडी आज डेन एग्जामिनेशन थ्योरी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं पर्सन हो गए एसेसी हो गए तो एनी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स वाव, एक बार ना एक एम पूछा गया था एक बार एक एमसी भी पूछा गया था एम लिख रहा हूं जरा ध्यान देना एवरी असेसी इज अ परसन बट एवरी पर्सन ज नॉट एन अस एसी डू यू अग्री पता नहीं मेरे को कैसे आपने yes बोल दिया तुमको समझ में आ गया हाउ डेर यू बोलो नहीं आया एवरी एसेसी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट एन अस एसी अंडरस्टैंड कीजिएगा विजय बरेबर है एक एक और बेस पॉइंट समझो उसके पहले जनरली टैक्स ढाई लाख के ऊपर लगता है ये तो आपको खैर जनरल नॉलेज होगा भी बट फिर भी याद रखो अब समझो विजय की इनकम टू लाख रुपीज पर एनम है इज विजय इंडिविजुअल यस नो इज विजय इंडिविजुअल बट वेदर विजय लाइबल टू पे टैक्स इज विजय इंडिविजुअल यस वेदर विजय लाइबल टू पे टैक्स नो विजय इज अ पर्सन बट नॉट विजय इज अ पर्सन बट नॉट अनादर पॉइंट नो अनादर पॉइंट विजय इनकम इज लेट से वन करोड़ ज विच ए पर्सन यस इज ए नैचुरल पर्सन इज विच ऑल्सो लाइबल टू पे टैक्सन सो एवरी वन हुस हम उसको क्या मान रहे हैं पर्सन इज नॉट एन एस एस समझ मार जरूरी नहीं है हर पर्सन एस एस हो जाए सो अन ही इज लाइबल टू पे टैक्स हम उसको क्या नहीं मानते असेसी नहीं मानते हम उसको क्या नहीं मानते नहीं मानते आर यू गेटिंग दिस पॉइंट पॉइंट सुनो अब एक केस हुआ अब क्या हुआ एक yes. केस ठीक है एक मस्त कॉम्प्लिकेटेड केस हुआ भाई इधर ठीक है ये मेरा प्यारा भाई डरेगा नहीं ना हाँ बस डरने का नहीं, नहीं इधर तो ये मेरा प्यारा भाई अंडरस्टैंड ये है एओ बराबर इस एओ ने क्या किया मेरे को टैक्स दिया और टैक्स में किस तरीके का टैक्स था दस हजार टैक्स पांच हजार इंटरेस्ट पांच हजार पेनल्टी टोटल बीस हजार एवरीबॉडी, टैक्स कितना दस हजार इंटरेस्ट कितना पेनल्टी कितनी ठीक है ये एओ का ऑर्डर मैं मैंने लाया गी ठीक है हेलो सर आपने मेरे को बुलाया था आपको क्या चाहिए टैक्स भरना है मेरे को ठीक है सर सर ने मेरे को ऑर्डर दे दिया ये दस हजार रुपए बाय हा पेनल्टी बाकी है क्या कहा आपने पेनल्टी बाकी इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी बाकी मैं क्या करूं आप ही ने तो लिखा था आइए लॉ पढ़ते हैं एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स ऐसे नहीं करते ना लॉ बनाने से पहले सोचना था ना सर आपने टैक्स बोला मैंने दे दिया एम आई एट डिफॉल्ट आपने बोला मैंने किया भाई देख तुमने रोका ही नहीं हम आगे बढ़ गए <laughs> आपने जितना कहा था उतना मैंने किया लॉ सो सर मिलेंगे बहुत अच्छा लगा आप मेरे भाई एम आई एट डिफॉल्ट रेड मारेंगे घर मजा जे तैग संगित होते ते दिले ना हाँ अस तस तो कर नहीं मो मेरा थोड़ा मेरा मराठी देखो भाई थोड़ा इधर उधर है ठीक है एक बार क्या हुआ था एक मतलब ऐसी सुनो तो सुनो तो एक बार क्या हुआ था कि कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को नहीं पता उनको बता दूं दिन क्या हुआ था मैं एक क्लास ले रहा था इंटर का ही क्लास था चार पाँच सौ बच्चे बैठे हुए थे तो मैंने ना गलती से मराठी में ना कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया क्लास पंद्रह मिनट हंसने लग गए तो एक बच्चे ने आके मेरे को बताया बोले सर आपको समझा कि आपने क्या किया मैला नहीं फिर उसने मेरे कान में बोला भाई पूरा लेक्चर भर ना मैं किसी लड़के और लड़की से आंख नहीं मिला पाया पता है उसने मराठी में मैंने क्या बोल दिया था मतलब एक्चुअली ब्रेक से पहले लेक्चर था और ब्रेक के बाद लेक्चर था तो मैंने मराठी में कह दिया था मैं खाना खा के आता हूं तो एक्चुअली ना मराठी बड़ी प्यारी लैंग्वेज है मेरे से गलती हो गई है ज और इधर उधर हो गया भाई <laughs> मेरे से गलती हो गई मैं मैं जेन्युनली एक्सेप्ट कर और मैं ईमानदारी से ना हर बैच में बच्चों से धीरे धीरे सीख रहा हूं मैं सीख रहा हूं ठीक है इवन दो आई एम बॉर्न इन मार्ट बट मेरा मारवाड़ी भी उतना ही खराब है मेरा हिंदी भी उतना ही खराब है मेरा इंग्लिश भी उतना ही खराब है बट ठीक है थोड़ा एडजस्ट कर लेना अगर मैं इधर उधर चले गया तो हाँ तो चलो कमिंग बैक भाई ने मेरे को बोला था टैक्स देना मैंने टैक्स दे दिया एम आई लेवल टू एनी अदर थिंग एम आई लेवल टू एनी अदर थिंग यस सो नो यस सो नो अंडरस्टैंड लॉ मेकर को समझ में आया कि इनकी गलती हुई कोर्ट ने डिसीजन दिया मेरे फेवर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हारा था इतिहास गवाह है बच्चों जब जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हारा है अगले साल क्या आया है इंटरप्रिटेशन के बाद भी अमेंडमेंट आते हैं लॉ ऐसे भी बनता है याद आ रहा है लॉ अमेंड हुआ पे टैक्स और एनी अदर सम अंडर द एक्ट ऐसे लॉ बना है ये अच्छा आप देख रहे हो इस बार लॉ मेकर ने क्या लिखा इंटरेस्ट पेनल्टी फीस वर्ड नहीं लिखा उनने लिखा एनी सम बोले ये इतने डेंजर लोग हैं आगे चल के कोई भी नया वर्ड आया ये उसको भी एक्सेप्शन कर देंगे हम लिख दो एनी सम अंडर था था। इस तरह से ये डेफिनेशन डेवलप हुआ है सो वन टू थ्री स्टार्ट एवरी पर्सन हाँ एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स और एनी सम ठीक है और, और Or every person in respect of whom any proceeding under the Act has been taken. और अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम इन रिस्पेक्ट ऑफ होम ही इज असेबल फॉर हीज इनकम और लॉस ब्रैकेट में क्लबिंग और एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट हैज बीन टेकन और एनी अदर पर्सन डन अब इसको समझते हैं एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग हैज बीन टेकन अप मान लीजिए मान लीजिए मेरे को पता चल गया था आपको याद है समर्थ के घर पे हमने रेड मार दी थी समर्थ ने एक बार भी आज तक के क्या नहीं किया टैक्स नहीं भरा बराबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसके अगेंस्ट में कम्युनिकेशन मिल गया जब कम्युनिकेशन मिला इसके घर पे गए रेड मारा रेड मार करके इसके घर से बहुत सारी एसेट्स मिले थे याद आ रहा है आपको वॉज ही लाइबल टू पे टैक्स ये बट डिड ही पेड द टैक्स नो अब कार्रवाई करे तो करे कैसे तो इनकम टैक्स ने एक और वर्ड अमेंड किया अगर हमने खुद होके किसी के अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग ओपन कर दी प्रोसीडिंग का मतलब केस ओपन करना प्रोसीडिंग का मतलब क्या बेटा केस ओपन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद होके किसी के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग भी ओपन कर दी इस व्यक्ति को भी क्या माना जाएगा अस भले ही वो टैक्स पे करने के लिए लाइबल हो या ना हो हो सकता है आगे चल के प्रूव हो जाए कि इसने कोई टैक्स चोरी नहीं किया एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहा था उससे पैसे कमाया था विच वॉज नॉट लाइबल टू टैक्स हो सकता है आगे चल के ये प्रूव हो जाए लेकिन इसे क्या माना जाएगा यस yes. अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग मतलब कोई केस ओपन कर दिया इसे भी क्या माना जाएगा असेसी एवरीबॉडी यस नो सो एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी के अगेंस्ट में केस ओपन कर दिया तो भी वो असेसी है या एक और और है यहां पे और एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम ही इज असेबल फॉर हिज इनकम और लॉस क्लेबिंग प्रोविजन हमने पढ़ा था रेंट किसके बैंक अकाउंट में गया था पल्लवी टैक्स किसको लगा था विजय तो विजय क्या माना जाएगा असेसी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम ही इज असेबल तो अगर मान लीजिए किसी और की इनकम मेरे अंदर में क्लब की जा रही है तो जिस व्यक्ति के अंदर क्लब की जा रही है उसे भी क्या माना जाएगा अब भले भले ही ही आपने मेरे अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग ओपन नहीं की मैंने आज तक टैक्स पे नहीं किया पर किसी और की की इनकम अगर मेरे मेरे में क्लब की जा रही है तो मेरे को कौन माना जाएगा असेसी। मान लीजिए स्वास्तिक डांस इंडिया डांस में गया उसने क्या किया कोई इनकम अर्न करी या मान लीजिए स्वास्तिक ने कोई इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न करी अब स्वास्तिक ने कोई इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न करी पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगा क्या वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगा

नेक्स्ट और अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम ही इज असेबल क्लियर है इसीलिए हमने सीधे शब्दों में यहां पे क्या लिख दिया क्लबिंग नेक्स्ट डीम टू बी एस एस डीम टू बी एस एस फॉर एग्जाम्पल ट्रस्टी डायरेक्टर पार्टनर एटसेट्रा To be <coughs> deemed to be एस डीम टू बी एस एस अब आप सोच के देखिए अगर कंपनी के ऊपर असेसमेंट चल रहा होगा आपको लगता है कंपनी आएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या डायरेक्टर को आना पड़ेगा इज ही डीम्ड अससी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी येस ऑन नो जी डीम्ड एस एससी ट्रस्ट के केस में आपको लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर ऑफिसर बुलाए तो ट्रस्ट जाएगा कौन जाएगा ट्रस्टी पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर तो पार्टनर को फर्म के बिहाफ पे क्या माना जाता है डीम्ड एज एस समझ में आ रही बात नेक्स्ट एंड द लास्ट असएसी इन डिफॉल्ट लास्ट एस In default. असेसी इन डिफॉल्ट अब assess इन डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है आप सभी लोगों ने टीडीएस नाम की चीज सुनी है यस yes, अगर मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं तो यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसमें से क्या कर, कर लू टैक्स कट कर लू और यह जो टैक्स मैंने कट किया ये किसको सबमिट कर दू गवर्नमेंट को सो so, अगर मान लीजिए मैं इस बच्ची को पेमेंट कर रहा हूं लेट्स ये हमारे यहाँ एक टीचर है हमने इनको अगर पेमेंट किया तो हम इनके इनकम में से क्या कट कर देंगे टीडीएस और हम ये टी सरकार को जमा करवा देंगे इनके बिहाफ पे किसके बिहाफ पे इनके बिहाफ पे ये जब अपना टैक्स लाइबिलिटी निकालेगी इसमें से जितना टी इनका ऑलरेडी कट गया है वो माइनस कर देगी और ये सिर्फ बैलेंस टैक्स पे करेगी ये सिर्फ क्या पे करेगी बैलेंस टैक्स दस हाउ टीडीएस वर्क चलो वापस सुनो हाउ टीडीएस वर्क्स विजय जब भी इसको पेमेंट करेगा देने वाला जब भी देता देता टीडीएस काट के क्या 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 क्या, क्या वापस बोलो देने वाला जब भी देता देता टी डीएस काट के ये yes no? देता, देता तो विजय लेट से एक लाख रुपए अगर इनको दे रहा होगा टेन परसेंट टीडीएस कट कर लेगा दैट इज तो टेक्निकली इस बच्ची को कितने मिले टेक्निकली इस बच्ची को कितने मिले नाइनटी थाउजेंड समझ में आ रही है बात अंडरस्टैंड दो मिनट के लिए रोकना लिखना मत लिखना मत हाउ टीडीएस वर्क समझाता हूं तुमको और ये भी बता दू टीडीएस आपका एक पूरा चैप्टर है यस yes? सो so, एकत्वम लिमिटेड ने क्या किया बच्चे तेरा नाम बोल नियति ओके okay. नियत, राइट सी ए सी एस सी ए में नियति ठीक है इसको क्या किया वन लाख रुपीज ओ आई एम एम सो सॉरी मैं सबसे ऊपर पहले लिखता हूं ठीक हा एल के जी यूकेजी भी ना वो ऊपर लिखा है पेज खत्म हो गया अब एकतम तो अकेडमी ने एक लाख रुपए पे किए इसमें से टीडीएस कर दिया कितना परसेंट बेटा टेन परसेंट ठीक है मतलब नियति को कितने रुपए मिले होंगे नाइन्टी थाउजेंड एवरी बॉडी यस यानी टी डी एस हुआ होगा कितना बेटा टेन थाउजेंड एवरी बॉडी अब ये टेन थाउजेंड को क्या करना है एकत्वम लिमिटेड विल डिपॉजिट टू सेंट्रल गवर्नमेंट टेन थाउजेंड ऑन बिहाफ ऑफ नियति तो समझ में आ रही है बात एकत्वम ये अपने जेब में नहीं डालेगा एकत्व ये पैसा लेगा और बोल देगा लो भैया नियति आपको साल भर बाद जो पे करने वाली है इसमें का कुछ पोर्शन तुम अभी रख लो यस yes? ऐसा क्यों किया होगा सरकार ने पूछो ना क्यों ये नियति थी ना एक नंबर की चोर थी चुड़ैल समझ मारी वा? एक नंबर की समझ मारी हो चुड़ैल ये क्या करती थी आपको पता है एकत्र से एक लाख मिलता था हर साल लेकिन इनकम टैक्स को बोलती थी आई ओनली अर्न टेन थाउजेंड और नाइन्टी थाउजेंड की हेरा फेरी कर देती थी अब इसमें नुकसान किसका हुआ सरकार का सरकार ने बोला बेटा तुम्हारे पे साल भर भरोसा नहीं है मेरे को तुमको मिल रहा है हम मानते हैं तुम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो तुम इसका कुछ परसेंटेज हमको आज ही दे दो अब बताइए नियति के पास ऑप्शन ही नहीं बचा उसे दिखाना पड़ेगा कि पूरा एक लाख मिला है अब ऑप्शन ही नहीं बचा मतलब जो लोग टैक्स प्लानिंग करते थे टैक्स चोरी करते थे राइट अब ऑप्शन ही नहीं बचा देने वाला जब भी देगा देगा टीडीएस काट के, अब ऑप्शन ही नहीं बचा अब आपके मन में जो सवाल आया है ना वो ये है सर विजय ने काटा ही नहीं एकत्वम लिमिटेड ने काटा ही नहीं तो प्रॉफिट कंप्यूट करते वक्त हमको डिडक्शन ही नहीं मिलेगा इस खर्चे का डिडक्शन ही नहीं मिलने वाला अब अगर मैंने इसका टीडीएस नहीं काटा मैंने एक्सपेंस किया पीएनएल में में डाला पर पीएनएल ये मेरे को खर्चा ही नहीं मान रहे देने के बावजूद भी इनकम टैक्स बोलता है अगर तूने टीडीएस नहीं काटा हम तेरा खर्चा ही नहीं मानेंगे तो डोंट यू थिंक टैक्स किसको भरना पड़ गया एकत्वम को भरना पड़ गया हाँ या ना अब मैं बोलूंगा भाई तेरे को बचाने के लिए एकत्वम तो सफर नहीं करेगा मेरे को काटना तू तेरा तेरे एंड पे देखते बैठ तू तेरा तेरे एंड पे देखते बैठ नाउ करेगा दस हजार इनकम दिखाए एक लाख रुपए अपनी इनकम दिखाए दिखा दस हजार अपनी इनकम दिखाएफ अब नियति अपनी उसको मिले एक्चुअली कितने 90,000 थाउजेंड पर नियति अपनी इनकम कितनी शो करेगी yeah. क्यों अंडरस्टैंड नियति को अपना पूरा एक लाख ही इनकम शो करना है सो so, नियति क्या करेगी ध्यान से सुनना नियति विल शो वन लैक एज इनकम देन कैलक्यूलेट टैक्स and out of such tax she will reduce 10,000 TDS deducted and pay only balance don't you think नियति क्या करेगी नियति अपनी पूरी इनकम शो करेगी एक लाख की इस एक लाख पे इसका अपना टैक्स रेट होगा उस पर टैक्स निकालेगी जो भी टैक्स आएगा इस टैक्स में से जो टीडीएस इसने ऑलरेडी पे कर दिया है डोंट यू थिंक सो टीडीएस इज नथिंग बट एन एडवांस टैक्स पेड ये टीडीएस वो माइनस कर देगी और ओनली बैलेंस पे करेगी क्योंकि वो सरकार को बोलेगी मेरी जितनी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है इसमें से दस हजार मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है एंड दैट इज वाई एकत्वम लिमिटेड जो दस हजार पे कर रहा है वो एकत्वम का टैक्स नहीं माना जाएगा नियति का टैक्स माना जाएगा हाउ टी डी एस वर्क अब इससे सरकार को क्या फायदा हुआ सरकार को यह फायदा हुआ अब सरकार को पता है एकत्वम लिमिटेड एक्जैक्टली कितना खर्चा कर रही है अब उसको पता है नियति एक्जैक्टली कितना अर्न कर रही है और ये सारे रिकॉर्ड्स अब गवर्नमेंट के पास है एंड दैट इज द रीजन कंटिन्यूसली द अर्निंग फ्रॉम इनकम टैक्स इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड इनक्रीजिंग क्योंकि बहुत कम ऐसे पेमेंट बचे जिस जिसपे टीडीएस है ही नहीं ऑलमोस्ट एवरी पेमेंट इज सब्जेक्ट टू टीडीएस सरकार ने हर पेमेंट टीडीएस के अंदर में डाल दिया अरे बाइंग एंड सेलिंग एंड सेल्स पे भी टीडीएस है बाइंग एंड एंड सेलिंग सेल्स पे भी टीडीएस है तो डोंट यू थिंक टीडीएस इज गुड फॉर गवर्नमेंट और नॉट यस इट इज एन अर्ली मीन ऑफ कलेक्टिंग द टैक्स इट इज एन अर्ली मीन ऑफ कलेक्टिंग द टैक्स समझ में आया सबको हाउ टीडीएस वर्क्स हाउ डेर यू बोलो नहीं आया।, आया मैं एक और बार समझाऊंगा एकत्वम लिमिटेड ने एक लाख रुपए किसको पे किया नियति एकत्वम लिमिटेड के लिए इनकम एक्सपेंसेस है? इनकम एक्सपेंसेस है? एक्सपेंस? पर देने वाला जब भी देता लॉ के हिसाब से एक लाख रुपए पे दस परसेंट हमको टीडीएस काटना है टेक्निकली नियति को कितने मिले नाइनटी थाउजेंड एकत्वम इस दस हजार का क्या करेगा

समझ में आ रही बात और सिर्फ बैलेंस टैक्स ही देगी तो टेक्निकली टीडीएस के नाम पे नियति ने एडवांस में ही अपना क्या दे दिया टैक्स आर यू गेटिंग द पॉइंट यस चलो अब यहां पे क्या था वापस से असेसी में आते हैं असेसी में हमने लिखा था असेसिन डिफॉल्ट मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति टीडीएस करना चाहिए था किया नहीं ही विल ट्रीटेड एज असेसिन डिफॉल्ट और असेसिन डिफॉल्ट के लिए उसको पेनल्टी लगाई जाती है बाय ट्रीटिंग हिम एन एस एस तो इनकम टैक्स में अगर आपने कभी भी कोई डिफॉल्ट किया इनकम टैक्स में आपने कभी भी कोई डिफॉल्ट किया कोई कंप्लायंस करना था कंप्लायंस नहीं किया आपको क्या माना जाता है बोले जल्दी से असेसी इन डिफॉल्ट फॉर एग्जाम्पल इफ टी डी एस इज नॉट डिडक्टेड फॉर एग्जाम्पल इफ टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड आपको क्या माना जा सकता है अससी क्लियर है मालिक चलो एक बार सभी लोग रिवाइज करेंगे अससी हां पर्सन की डेफिनेशन को इंपॉर्टेंट मार्क करो असएसी की डेफिनेशन को इंपॉर्टेंट मार्क करो ये थ्योरी क्वेश्चन है दोनों भी पूछे जाते हैं दोनों को इंपॉर्टेंट मार्क करो टीडीएस चैप्टर जैसे पचास लाख के ऊपर का परचेस होता है तो टीडीएस आता है पर उसके भी बहुत एक्सेप्शन है क्या परचेस कर रहे हो आएगा टीडीएस चैप्टर है पूरा तो मैं कल आपको चैप्टर भी बता रहा था राइट ये देखो चैप्टर नंबर थर्टीन आपका टीडीएस रहेगा एक पूरा चैप्टर है जिसके अंदर में कुछ अट्ठाईस सेक्शन है तो ये पढ़ना है समझ रहे हो ये जितने वर्ड्स है ना मैं तुमको बस अवेयर करवा के दे रहा हूं बट आपको नहीं लगता आपको ये भी बनाने की इच्छा हो रही है ये भी हाउ टीडीएस वर्क बना लो अब आपको ये भी बनाने की इच्छा हो रही है बना लो चलो नियति की इनकम ही टोटल 90000 है बच्चों अगर इनकम ही 90000 होगी क्या नियति को टैक्स देना है नहीं तो ये जो रुपए है उसका टैक्स जीरो है पर टैक्स एडवांस में पेड कितना है 10000 नियति इसको रिफंड क्लेम कर सकती है पॉसिबल है पर इस रिफंड पे इंटरेस्ट आ सकता है ओनली इफ सर्टेन कंडीशंस आर सैटिस्फाइड दैट हैज टू बी लर्न इन फ्यूचर इज दिस डन ऐसे कैसे डन देखो एंटर कहां से करते और निकलते कहां से कहां से एंटर किए थे पर्सन की डेफिनेशन से पर हमने गौर किया कि हम पर्सन पर्सन नहीं असएसी एस बोले जा रहे हैं फिर हम एस में घुस गए एसएससी में घुस गए तो समझ में आया वहां के एक वर्ड से टीडीएस निकला हम टीडीएस में घुस गए समझ में आ रहा है कितना छोटा सा है चलो स्टार्ट अगेन हाँ चलो जल्दी 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 पर्सन की डेफिनेशन एवरीबॉडी एवरीबडी की हैंड्स हाँ इंडिविजुअल एच यू एफ फर्म कंपनी एओपी बी ओ आई लोकल अथॉरिटी एजेपी लेकिन सिर्फ पर्सन होने से काम चलेगा या डिपार्टमेंट को अगर एक्शन लेना है तो आपको एस बनाना पड़ेगा आपको क्या बनाना पड़ेगा एस एस सी कैसे एस एस सी बनाना पड़ेगा सो एस एस सी एवरीबाडी एस एस सी एवरी पर्सन कमॉन स्पीक विथ मी एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम अंडर द एक्ट और

तो अगर आप टैक्स पे करने के लिए लाइबल है या आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग चालू है इनकम टैक्स की या आपकी इनकम में किसी और की इनकम क्लब हो रही है या आप डिमडस माने जा रहे हैं या आपने इनकम टैक्स में कोई डिफॉल्ट किया इन चारों केस में आपको कौन माना जाएगा फिर एक बार से अगर आप टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं या आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई केस चल रहा है या आप किसी और इनकम पे टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं या आप डीम्ड एस माने जा रहे हैं या आपने इनकम टैक्स में कोई गलती की और आपको एस एस सी माना जा रहा है इन चारों केसेस में आप कौन माने जाएंगे एस अच्छा ja फिर से एक बार कहेंगे अगर आप टैक्स पे करने के लिए लाइबल है अगर आप करने के लिए है, या फिर आपके ऊपर प्रोसीडिंग चालू है या आपकी इनकम में क्लबिंग हो रही है या आप डीम्ड एस है या आप एस इन डिफॉल्ट है तो आप क्या माने जाएंगे फिर एक बार कहेंगे अगर आप टैक्स पे करने के लिए लायबल है या आप पे प्रोसीडिंग चालू है या आपके क्लबिंग हो रही है या आप डीम्ड असेसी है या आप असेसी इन डिफॉल्ट है इन सभी केस में आप क्या माने जाएंगे चलो एक बार उल्टा बोलो अगर आप असेसी इन डिफॉल्ट है या आप डीम्ड असेसी है या आप में क्लबिंग हो रही है या आप पे प्रोसीडिंग चालू है या आप टैक्स पे करने के लिए लायबल है तो आप क्या माने जाएंगे बहुत बढ़िया भगवान का नाम पे एक और बार फिर से अगर आप टैक्स पे करने के लिए लायबल है या आप पे प्रोसीडिंग चालू है या आप में क्लबिंग हो रही है या है या या आप आप डीम्ड असेसी असेसी इन डिफॉल्ट है तो आप क्या माने जाएंगे असेसी। आज जब गेट से बाहर जाओगे कोई भी पूछेगा हे hey, वत्स बता असेसी क्या है उसको पकड़ना उसको टेबल पे बैठाना बोलना पांच चीजों को याद रख या आप या आप पे प्रोसीडिंग चालू है या आपकी इनकम में क्लबिंग हो रही है आप टीम असेसी है या असेसी इन डिफॉल्ट है आप सभी केसेस में क्या माने जाएंगे असेसी। आगा। आहा। आगा। क्लियर है नहीं नहीं एक बार और लास्ट टाइम लास्ट टाइम तुम्हें, तुम्हें तुम्हारे एक्सी कसम लास्ट टाइम हाँ नहीं है ना हाँ तो ना बन जाए इसलिए कसम से हु इज अस असेसी एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स और प्रोसीडिंग इज गोइंग ऑन और इनकम इज क्लब और डीम्ड टू बी एस और असेसी इन डिफॉल्ट इन सभी केसेस में आप क्या माने जाएंगे आ अरे यार सेक्शन चार में वापस जाओ चार अभी तक हम एक वर्ड पढ़ रहे थे उसमें से पर्सन सर किधर है वो लास्ट लाइन में आपको अगर समझा दू हम एक ही डेफिनेशन को तोड़े जा रहे हैं मैं मैं टैक्स पढ़ाना चालू करूंगा मैं पहले मैं पहले बेसिक ही पढ़ा रहा हूं मैं बेसिक ही पढ़ाई जा रहा हूँ चलो सेक्शन फोर को एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या आपने इनकम टैक्स इज पेबल वर्ड खत्म कर दिया पर असेसमेंट वर्ड बाकी है रेट बाकी है टोटल इनकम वर्ड खत्म कर दिया ऑफ एनी पर्सन खत्म कर दिया प्रीवियस ईयर बाकी है मतलब इस डेफिनेशन में प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर रेट ये तीन चीज बाकी है तो हम आगे बढ़ पाएंगे समझ मारी बात सो एवरीबडी कम ऑन लेट एस अंडरस्टैंड प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर धारा तीन में लिखी है जबकि असेसमेंट ईयर धारा दो बटे नौ में लिखी है प्रीवियस ईयर धारा तीन में लिखी है जबकि असेसमेंट ईयर धारा दो बटे नौ में लिखी है दो बटे नौ सेक्शन टू सब सेक्शन नाइन हम्म मालिक चलो अब समझते हैं व्हाट इज प्रीवियस ईयर A year preceding the assessment इयर गजब मस्त मस्त देखो क्या डेफिनेशन बनाई है अ ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट कहना क्या चाहते हो ये कहना चाहते हैं असेसमेंट ईयर के पहले वाला ईयर को हम प्रीवियस ईयर कहेंगे प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला तो आपने लिखना एक्स नहीं ही वॉज माई प्रीसीडिंग प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला अब पहले वाला ईयर बिफोर असेसमेंट ईयर इज कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर बराबर मतलब हम तब असेसमेंट नहीं समझ लेते हमको प्रीवियस ईयर समझ में आने वाला नहीं, नहीं है वाव असेसमेंट ईयर वॉट इट डेफिनेशन मैन अ पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल एवरी ईयर अ पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल एवरी ईयर It is a period of twelve months. It can be less than twelve months. It is a period of twelve months. It can be less than twelve months. gotcha Sub. गजब गजब सब सर इतु सा भी समझ नहीं आए क्या है दोनों ठीक है मैं आपको समझाता हूं सुनो हम प्रीवियस ईयर में गए क्योंकि ये दो वर्ड है ये दोनों वर्ड कहां है सेक्शन चार में तो हम सेक्शन चार से ये दो वर्ड को खोदने के लिए निकले कि ये दो वर्ड कहां मिलेंगे आपने एक बात ऑब्जर्व की अब तक जब तक हमने सीए कोर्स ज्वाइन नहीं किया था हमारे जीवन में बहुत सिंपल था कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर पर यह दोनों वर्ड यहां यूज नहीं हो रहे यहां पे वर्ड यूज हो रहा है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सो हियर इन आफ्टर देर इज नो कंसेप्ट कॉल्ड एज फाइनेंशियल ईयर देर इज नो कंसेप्ट कॉल्ड एज कैलेंडर ईयर इन इनकम टैक्स देर इज ओनली कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर अब ये प्रीवियस ईयर क्या होता है वो कहता है प्रीवियस ईयर कहता है मैं वो ईयर हूं जो असेसमेंट ईयर के पहले वाला ईयर हूं मैं वो ईयर हूं जो असेसमेंट ईयर के पहले वाला ईयर हूं मैं वो ईयर हूं जो असेसमेंट ईयर के पहले वाला ईयर हूं तो मैं गया असेसमेंट ईयर समझने के लिए भाई असेसमेंट क्या होता है वो बोलता है मैं हर साल तो हर साल साल अप्रैल अप्रैल से से चालू चालू होता हूं तो जो होगा वो असेसमेंट ईयर होगा हर साल फर्स्ट अप्रैल से जो चालू होगा वो असेसमेंट ईयर होगा, होगा तो इसके पहले वाला ईयर कौन सा ईयर बन जाएगा प्रीवियस ईयर लेट मी गिव एन एग्जाम्पल हाथ रोक लेना लिखना मत हाथ रोक लेना समय दूंगा लिखना मत मान लो एक चार दो हजार चौबीस को आपका असेसमेंट ईयर शुरू होगा पूरे बारह महीने का है मतलब इकतीस तीन दो हजार पच्चीस मतलब इकतीस तीन दो हजार पच्चीस से यस इनकम टैक्स में आप इतनी बड़ी बड़ी डेट्स नहीं लिखते आप इसको शॉर्ट में लिखते हो चौबीस पच्चीस आप इसको शॉर्ट में क्या लिखते हो चौबीस पच्चीस चौबीस पच्चीस लिखा मतलब आपके दिमाग में डेट फिक्स हो जानी चाहिए एक अप्रैल से थर्टी फर्स्ट मार्च अ कंप्लीट पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ्स अ कंप्लीट पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ्स इसको हम कहते हैं असेसमेंट ईयर अब मुझे आप समझदारी से खुद ही समझा दीजिए अगर आपका असेसमेंट ईयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव है तो आपका प्रीवियस ईयर क्या होगा आपका प्रीवियस ईयर क्या होगा 23, 24, are you getting the point? Yes, right. So आपका प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर बन जाएगा 23, 24. A year preceding the assessment year is इज कॉल्ड एज प्रीवियस रुकना अभी कोई कंक्लूजन मन में draw मत करना सिर्फ जितना पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो जितने सवाल आ रहे हैं उसको वहीं दबा दो सारे सवालों के जवाब तुम्हारे से पूछे बिना मैं दे दूंगा अभी जितना समझा रहा हूं सिर्फ उस पर फोकस करो मैं जानता हूं आपको एक हजार सवाल है रुक जाओ होल्ड ऑन करो ठीक है चलो वापस से नहीं नहीं ये दो वर्ड हमें मिले कहां से थे ये दो वर्ड हमें मिले कहां से थे सेक्शन फोर राइट सेक्शन फोर से दो वर्ड मिले हम ढूंढने निकल गए पहले प्रीवियस ईयर पढ़ा एवरीबाडी रिपीट विद मी प्रीवियस ईयर इज द ईयर प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर इज द ईयर एवरी ईयर स्टार्टिंग विथ फर्स्ट अप्रैल ये सोनो अच्छा यानी असेसमेंट ईयर एक अप्रैल से चालू हो रहा है मतलब कंफर्म जो पीरियड होगा वो बारह महीने का होगा लेकिन हम कह रहे हैं प्रीवियस ईयर बारह महीने से कम का भी हो सकता है yes? यस नहीं। नहीं तो एक एक अगर देखा जाए तो यहां से मेरा असेसमेंट ईयर चालू होगा तो इसके पहले वाला ईयर कौन सा बनेगा ये। प्रीवियस ईयर तो एक चार दो हजार चौबीस से लेकर पच्चीस तक के अगर ये मेरा असेसमेंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन के हिसाब से तो ईयर प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर इज कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर बराबर है अगर मेरा प्रीवियस ईयर 22 तेईस है तो मेरा असेसमेंट ईयर क्या होगा एक अप्रैल से ये भी तो चालू होगा असेसमेंट ईयर अब अगर एक अप्रैल से ये मेरा प्रीवियस ईयर है तो मेरा असेसमेंट ईयर क्या होगा यानी क्या मैं कह सकता हूं क्योंकि सास भी कभी बहू थी एवरी ईयर इज असेसमेंट ईयर एज वेल ही यू ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ समझ मी बात क्योंकि सास भी कभी बहू थी यस yes. चलो एक मिनट अभी हमें नहीं समझाया आपको एक परसेंट भी नहीं समझा इस पूरे प्रोविजन का यस yes, आप सभी लोगों के लिए आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्या है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर एक चार दो हजार से लेके इकतीस तीन दो हजार चौबीस तक जितनी इनकम कमाई जाएगी बेटा इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर कोई लाइन याद आ रही है क्या इनकम ऑफ Previous year is taxable in assessment year. No no, no 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 no. Rewind 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 rewind. Income of previous year is taxable in assessment year. What is the date going on? Is it 23-24? Yeah. You are here. You are computing the income for 23-24. For which you will pay the tax in 24-25. Are you getting the point? So everyone for you all. एनी चैप्टर एनी सब्जेक्ट योर प्रीवियस ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर एंड पे वॉट एवर यून ड्यूरिंग दिस पीरियड वर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड एक चार दो हजार तेईस से इकतीस तीन दो हजार चौबीस इसमें जितना भी कमाओगे इस पर टैक्स आप चोईस पच्चीस में दोगे इस पर टैक्स आप आई यू गेटिंग द पॉइंट यस सो हा क्या 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 कहा आपने वो गुरु मंत्र बताइए जनरल लुल बताइए जनरल लुल जनरल लुल इनकम क्या क्या कहा बोलो बोलो इनकम लिखना कुछ मत पेन रोक दे इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर कुछ बातों सवालों के जवाब पी वाई ए वाई ये आप शॉर्टकट में लिख सकते हो एग्जाम में अलाउड है दूसरी बात ये जो ईयर है उसे शॉर्ट में ही लिखा जाता है लॉन्ग में नहीं लिखा जाता तो जनरल लुल बन गया क्या बन गया जनरल लुल बन गया इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर सो लिखना मत बता अगर तेरा प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू तेरा असेसमेंट ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री इट एग्जैक्टली मीन इस साल में तूने जितनी इनकम अर्न करी इस पे टैक्स तू अगले साल देगा समझ में आ रही बात एंड दैट्स वाई द कंसेप्ट इज रिलेवेंट प्रीवियस इवेंटी टू ट्वेंटी थ्री है आपका असैसमेंट ईयर एवरीबाडी ट्वेंटी थ्री अगर आपका प्रीवियस ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर है आपका असेसमेंट ईयर एवरीबाडी यस चल अब मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असैसमेंट ईयर असेसमेंट ईयर तो पूरे बारह महीने का है कैन प्रीवियस ईयर ऑफ लेस देन ट्वेल्व मंथ्स, यस, पूछो ना एग्जाम्पल भाई वो अकाउंट्स है एडवांस अकाउंट्स है जहां पे होता है एवरी बिजनेस विल स्टार्ट ऑन फर्स्ट अप्रैल एंड बिजनेस विल एंड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च आपको लगता है कैसा होता होगा नहीं मान ले अगर अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड ठीक है आप सभी लोग अंडरस्टैंड करना अगर एक ऑगस्ट दो को बिजनेस चालू हुआ एक अगस्त दो को बिजनेस चालू हुआ Can you please tell me my previous year and assessment year क्या लगता है ट्राई करो अरे हमको गलतियों से ही सीखना है व्हाट इज प्रीवियस ईयर अच्छा एक मिनट असेसमेंट ईयर तो बहुत फिक्स है इसके आगे आने वाला एक चार दो हज़ार चौबीस टू थर्टी फर्स्ट मार्च दो हज़ार पच्चीस बराबर यानी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव आपका असेसमेंट ईयर हुआ यह तो कंप्लीट बारह महीने का ही रहना है इसके पहले वाला ईयर कौन सा ईयर हो गया प्रीवियस ईयर बोलने के लिए प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ही रहेगा लेकिन इसका डेट कहां से चालू होगा फर्स्ट अप्रैल अगर फर्स्ट अप्रैल से लाके करोगे क्या इनकम आ रही है क्या एंटिटी ही एग्जिस्टेंस में नहीं है एंटिटी किस दिन एग्जिस्टेंस में आ रही है फर्स्ट अगस्त सो टेक्निकली बोलने के लिए हम प्रीवियस ईयर 23 24 ही बोलेंगे बट ये कहां से कहां तक होगा फर्स्ट अगस्त से 31 मार्च 2024 इस दौरान आपने जितनी भी इनकम आन करी इस पे टैक्स कब देना है 24 25 आर यू गेटिंग इट क्योंकि अगर बिजनेस अगस्त से चालू हो रहा है तो बिजनेस इनकम या लॉस भी उसी तारीख से चालू होगी बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। यस तो आपकी एक अगस्त से लेकर के थर्टी फर्स्ट मार्च तक की जो इनकम रहेगी एक अगस्त 2023 से लेकर दो हजार चौबीस तक की जो इनकम रहेगी इस पे जो टैक्स देना है आप 24-25 में देंगे आर यू गेटिंग इट अब ये जो लाइन लिखी है आप इससे डील कर सकते हैं क्या समझ लीजिए कैन असेसमेंट इस देन ट्वेल्व मंथस नो अब ईयर कैन असेसमेंट इन टन प्रीवियस ईयर बी ऑफ ट्वेल्व मंथस और लेस अगले साल से वो बिजनेस तो एग्जिस्टेंस में है ही ना अगले साल से उसका पूरा प्रीवियस ईयर बारह महीने का रहेगा पर ऐसा है क्या की प्रीवियस ईयर बारह का ही रहेगा yes. अरे ऐसा है क्या कि प्रीवियस ईयर बारह का ही होगा नाई प्रीवियस ईयर कैन बी ऑफ लेस डे आल्सो इसीलिए ये लाइन यहां पे इस तरह से लिखी गई है कलल का हाउ डयर यू बोलो नहीं समझा ऐसे कैसे समझ सकता तुमको नहीं समझा बोलो नहीं समझा नहीं नहीं ऐसे कैसे समझा नहीं, नहीं, नहीं समझा सपोज सपोज जो तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है ना वो एक-एक करके जवाब दे रहा हूं सपोज मेरा जो बिजनेस हुआ है वो स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2024 प्लीज मुझे मेरा प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर बताओ सब ट्राई करो गलती होगा चलेगा आखिरी की दो दीदी बातें मत करिए प्लीज बात करिए हां जी हाँ जी बोलो वॉट इज माई असेसमेंट ईयर हा असेसमेंट ईयर इज इस बारे में तो आपको कोई डाउट नहीं है आगे आने वाले साल को हम असेसमेंट ईयर बोल देते तो आपने तो जिस साल में खड़े हो उसके आगे वाले साल को बिंदास असेसमेंट बोलने का ठीक है तेईस में खड़े हो चौबीस पच्चीस इज असेसमेंट चौबीस में खड़े हो पच्चीस छब्बीस इज असेसमेंट पच्चीस में खड़े हो छब्बीस सत्ताइस इज असेसमेंट बिंदास आगे आने वाले को बोलने का प्रीवियस ईयर कहा क्या है पक्की बात है अब लेकिन चालू कब से होगा फर्स्ट जैन दो हजार चौबीस टू थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार चौबीस अब कुछ नालायकों के मन में सवाल जरूर आ रहा होगा मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार चोबीस को <laughs> कितने नालायकों के मन में सवाल था दो हाँ तो? आ, कैसे कल गया मेरे को कैसे कल गया मेरे को मैंने क्या कहा तुम होल्ड करो जो थारा भाई तेरे अंदर के सारे सवाल जानता है तुमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैं सब क्लियर करेगा पर तुम से पेशेंस रखो तुमको प्रॉब्लम पता है क्या है पहले दिन ही सब जानना है अरे नहीं हो सकता ना इतने सारे सेक्शन है चलो पर फिर भी सवाल का जवाब तो दो देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि असेसमेंट ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव इसमें अपने को बहुत क्लियर है अपन प्रीवियस ईयर पक्की बात क्या सीखे प्रीवियस ईयर कैन बी ऑफ वन डे ऑल्सो जब हमने कहा बारह से कम मतलब वो एक भी हो सकता है जब हमने कहा बारह से कम मतलब वो एक भी हो सकता है अब अगर एक ही दिन में तुम्हें बात समझ ना एक ही दिन में तुम्हें इतना सेल्स मिल गया एक ही दिन में तुम्हें इतना सेल्स मिल गया तो तुम उसके ऊपर टैक्स भरोगे नहीं तो तुम उसके ऊपर टैक्स भरने वाले नहीं हो पर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर तो रहेगा ही ना मान लो किसी के पंडित जी ने कहा कृपा आनी शुरू हो जाएगी थर्टी फर्स्ट मार्च कोई धंधा चालू करो तो हो सकता है एक दिन का भी पर उस पर टैक्स देना है नहीं दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन नो प्रीवियस ईयर एक दिन का हो सकता है इसमें टैक्स देना है कि नहीं दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन दैट डिपेंड्स अपॉन इनकम ऑन कितनी की है एवरीबॉडी आपको नहीं लगता इस पे आपने बाकायदा एक लॉ बना दिया इन केस ऑफ इन केस ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट प्रीवियस ईयर स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट एवरी प्रीवियस ईयर स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट पक्की बात हाउ बोलो नहीं समझा ऐसे सम, बोलो नहीं समझा ठीक है अगर तुमने पूरे सही जवाब दिए तो तुमको लिखने का मौका दूंगा नहीं तो पूरा कंसेप्ट वापस पढ़ाऊंगा ठीक है स्टार्ट ठीक है बिजनेस स्टार्टेड ऑन एक चार दो हज़ार तेईस एक बारह दो हजार तेईस एक बारह दो हजार चौबीस इकतीस तीन दो हजार चौबीस इन सब के केस में मेरे को प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर बताओ कोई जल्दी नहीं है बहुत टाइम है आराम से बताओ पर हर बच्चे ने अपना डिसीजन खुद लेने का टेक योर ओन टाइम मेरे को जल्दी नहीं चाहिए जवाब टेक योर ओन टाइम रुको जरा सबर करो आराम से पहले डिसीजन ले दो सबको कहीं जाना है भागना है अपने को नहीं अपन इधर ही है घर परिवार सब इधर है अपना अपने अपने डिसीजन ले लो कि भैया मेरा आंसर ये है नहीं नहीं सबसे पूछेंगे सबसे कॉमन पूछेंगे बिजनेस स्टार्ट हुआ एक चार दो हजार तेईस एवरीबडी वॉट इज प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर इज असेसमेंट ईयर इज वॉट एवर यू विल अर्न हियर यू विल पे टैक्स हियर कैन प्रीवियस ईयर बी ऑफ ट्वेल्व मंथ्स दूसरा इज इट अगेन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर बट काउंटिंग कहां से होगा टू थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार चौबीस वट विल बी ईयर अब दिसंबर से मार्च तक जो अर्न करा है उस पे टैक्स कब भरा जा सकता है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी अच्छा ऐसा है क्या कि आप प्रीवियस ईयर में आ गए तो आपको टैक्स भरना ही है वो तो इनकम पे डिपेंड करता है ना भरना है कि नहीं हम्म प्रीवियस ईयर 23-24 23-24 23-24 24 फोर 23, 23, पक्का हाँ। देखो मेरी बात सुनो 23-24 देखो मैं कह रहा हूं ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर फर्म हो अपने डिसीजन पे आ, बदलोगे नहीं आ, आप जीते पर ये चालू कहां से होगा 34, टू थर्टी फर्स्ट ठीक है आ, तो इसका असेसमेंट वेरी गुड आई एम प्राउड ऑफ यू लास्ट ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव आप जीतेड है ब्रो ऐसे कैसे सॉर्टेड है एक मिनट एक मिनट मेरे को अरे भूलना तो तुझे बोलना चाह रहा कैन तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं एक ही चीज को छ छह बार पढ़ा रहा हूं पढ़ाया मैंने मैं एक ही बार पढ़ा रहा हूं तुमको कैन असेसमेंट ईयर बी ऑफ लेस देन नेवर कैन असेसमेंट ईयर बी लेस देन ऑफ ट्वेल्व मंथस नो नहीं नेवर कैन प्रीवियस ईयर बी ऑफ वन डे वन मंथ ट्वेल्व मंथ कंप्लीटली प्रीवियस ईयर कितने भी दिन का पॉसिबल है जनरली प्रीवियस ईयर बारह महीने का होता है पर अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ तो प्रीवियस ईयर जिस डेट से चालू हुआ कैन प्रीवियस ईयर बी ऑफ वन डे ऑल्सो कंसेप्ट इज ओवर अब लिख सकते हो जो लिखना है हाँ जी अच्छा एक मिनट नहीं नहीं ए, एक मिनट सुनो इनकम इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन ये क्लियर है लिखो अब अरे अरे रहता ना किसी को डॉट पसंद है ऐसा डॉट वाला क्वेश्चन है ऐसा बोला <laughs> कंधे लोग नहीं, नहीं नहीं वो वो ट्रैफिक वाले पकड़ते और फिर वो जो वो, वो सब शो नहीं होता अच्छा एक मिनट हाँ जो पावती वगैरह फाट रहे दैट इज इनकम नो दैट इज इनकम दैट इज सब्जेक्ट टू टैक्स आरटीओ यस इट्स अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ना आरटीओ ये यू नो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बोल के रजिस्टर्ड हुआ होगा या तो कंपनी बोल के और कुछ नहीं मिल रहा तो एजेपी तो है ही आगे आएगा सेक्शन टेन बट इट इज एन इनकम सर देखिए आर्मी वालों को भी टैक्स भरना है इनकम टैक्स ऑफिसर को भी टैक्स भरना है डिडक्शन है ना सबको है डिडक्शन सबको है आराम से अरे सबको लिखने दो भाई आराम से बेटा दो साल जी ले है ना तू तो फाउंडेशन में भी है तो खुश रहे। इंटर में आएगा बहुत लपड़े इधर जीवन में Is this done? कभी तो हां बोलो सर ये भी बनाना है आपकी मर्जी चलो और दो पांच एग्जाम्पल चाहिए पक्की बात जी सर टैक्स थर्टी फर्स्ट जुलाई को पे करते तो सर ये जो थर्टी फर्स्ट जुलाई को आप टैक्स पे कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टेक्निकली टू अर्लियर ईयर सो वो आप अर्लियर ईयर का टैक्स भर रहे हैं फिर करंट ईयर का इनकम तो आप आगे कंप्यूट करोगे और उसके आगे भरोगे ना सो इज जस्ट अ डेट दैट्स वाई वी कॉल इनकम ऑफ प्रीवियस एंड टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर एवरीबाडी इज इट डन फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट जैन से चालू नहीं होता कैलेंडर ईयर फर्स्ट जैन से चालू होता है फाइनेंशियल ईयर ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट अप्रिल हाँ अंडरस्टैंड मेरे भाई ने क्वेश्चन पूछा मान लो सर फरवरी से अपन ने बिजनेस चालू किया बराबर ना फरवरी से बिजनेस चालू किया तो फरवरी इनकम टैक्स में क्या करेंगे फॉरगेट अबाउट अकाउंट्स अकाउंट्स आप कितने साल के लिए बनाने रिलेवेंट इन आर सब्जेक्ट आप फरवरी और मार्च का जो इनकम है वो इस साल में डालोगे उस पर टैक्स आप जुलाई में पे करोगे अप्रैल से जो इनकम है इसको अगले साल में लेके जाओगे हमारा एक हिसाब क्लियर है इज दिस डन से अच्छा ऐसे कितने बच्चे जो आज से जुड़े हैं आज से जुड़े हैं आज से एक दो पाँच छः सात आठ दस ओके सर कल ना आपको संडे मिल रहा है आई डोंट नो अबाउट अदर सब्जेक्ट पर मेरे पिछले पूरे तीन दिन को पढ़ के आना तो तुमको समझेंगा चल क्या रहा है क्योंकि मैं भयानक इंटरलिंकिंग से पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रही बात आई डोंट नो अबाउट अदर थिंग बट डीटी का तो भले ही आपने ना पिछले तीन दिन का करके आना है 1.5 की स्पीड में करो 2 की स्पीड में करो पर करके आना है यस, ज डन चलो तो बच्चों हमने गुरु मंत्र सीखा वट वॉज द गुरु मंत्र इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, पर क्या हर बार ऐसा होता होगा नहीं हर बार ऐसा नहीं होता देर आर सर्टन एक्सेप्शन टू जनरल रूल देर आर एक्सेप्शन टू जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर देर आर एक्सेप्शन टू जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर मतलब इन आइटम्स के लिए टैक्स प्रीवियस ईयर में ही देना होगा दैट इज फॉर देम प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू असेसमेंट ईयर एक्सेप्शन प्रोवाइजो है प्रोवाइजो कहीं पड़ा पड़ा लग रहा है हाँ एक्सेप्शन टू सेक्शन राइट यस देखिए जनरल रूल ये है पहले कमाओ और फिर इसके ऊपर टैक्स दो जनरल रूल ये है पहले कमाओ और फिर इसके ऊपर आपको क्या देना है टैक्स जनरल रूल इज इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है मतलब कुछ केसेस में जिस साल इनकम कमाई उसी साल टैक्स देना है कुछ केसेस में कुछ 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 केसेस में जिस साल इनकम कमाई आपको टैक्स उसी साल देना है अब आप ये पूछेंगे सर कौन कौन से केसेस है पहला एओपी पी बी ओ आई फॉर्मड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एओपी बी ओ आई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एओ पी बी ओ आई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन आई एम श्योर आपको समझता है वॉट इज एपी बी आई अब देखिए छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते जाइए फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल गणपति स्टॉल अभी जब गणपति आ जाएंगे नवरात्रि आएगी कई छोटे 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 एसोसिएशन बन जाते अपने गणपति खुद फॉर्म करते लोग आते प्रणाम करते पैसा डालते ट्री कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इनकम इज वॉल्ट्री कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इनकम बट डोंट यू थिंक दे आर फॉर्म फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन अब इनसे टैक्स मांगने जाएंगे बट <laughs> कोई गारंटी है ये अगले साल फॉर्म होगा yes. नहीं अनादर एग्जाम्पल मैंने और यशवंत सर ने मिलकर ए पी दिल्लो का कॉन्सर्ट किया था यस yes? अब आप मुझे बताइए अगले साल भी ये होगा क्या मे मे नॉट अगले साल भी ये होगा क्या मे और मे नॉट तो ऐसे केस में अगर हम दोनों ने मिलकर के बोला मान लो यशवंत सर ने बोला माँ होल अपन अगले साल देंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलेगा बेटा अगले साल का अगले साल देखेंगे अभी क्या अभी पहले इस पे टैक्स भर जो तूने कमाया, अगले साल अगले साल साल तेरे से भरवाएंगे। से तो ये जो छोटे-छोटे कॉन्सर्ट होते हैं, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी शोज हो गए स्टैंड कॉमेडी शोज हो गए ये सारे बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनते हैं तो इन पे टैक्स भरना पड़ता है अभी अभी इनको उसी साल टैक्स भरना पड़ता है जिस साल में इनकम कमाई दूसरा नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस मान लो मान लो कोई नॉन रेसिडेंट शिप है इंडिया में आई इंडिया से गुड्स मेल एक्सेट्रा लिय निकल रही थी फ्री में तो निकलेगी नहीं यहां से कुछ कमा के लेके जाएगी आपको कोई गारंटी है अगले साल ये शिप वापस इंडिया में आएगी नहीं मे और मे नॉट तो ऐसे केस में इनको इंडियन पोर्ट छोड़ने से पहले ही उस पर टैक्स देना पड़ता है क्या आप जानते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर उधर पोर्ट पे ही होता है तो जितने गुड्स एटसेट्रा की इनकम ये कमा रहे हैं पहले उनको क्लियरेंस लेना पड़ता है तब जाके उनको कस्टम क्लियरेंस एंड अदर पोर्ट क्लियरेंस मिलते हैं तो दे पे टैक्स इन द ईयर इन विच दे अर्न मेक सेंस टू यू हम्म क्लोजर क्लोजर ऑफ बिजनेस आ गया लिक्विडेशन कहा मैंने होल्ड करो सब आएगा क्लोजर मान लीजिए करंट ईयर में बिजनेस क्लोज हो रहा है मान लीजिए करंट ईयर में बिजनेस क्लोज हो रहा है अब आपको लगता है जब अगले साल बिजनेस ही एक्जिस्ट नहीं करेगा उस पर टैक्स आएगा तो जब बिजनेस क्लोज होता रहता है देर इज अ सेक्शन सेक्शन वन सेवेंटी एट ऑफ द इनकम टैक्स लिक्विडेटर या जो बिजनेस ओनर होता है वो उसी साल उसको टैक्स भरता है तब तक के उसको क्लियरेंस नहीं मिलता समझ में आ रही बात उसको उसी साल टैक्स देना पड़ता है पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी Avoid tax, person likely to transfer the property to avoid tax. बराबर मान लीजिए नीरव मोदी विजय माल्या एटसेट्रा इनको पता चल गया इनके ऊपर ईडी की रेड पड़ने वाली है इंटरनली इंफॉर्मेशन लीक हो गई कि कल सुबह ईडी की रेड पड़ने वाली है कल सुबह ईडी की रेड़ पड़ने वाली है यह व्यक्ति क्या करना चाहेगा मालूम है आपको तुरंत प्रॉपर्टी किसी भी भाव में बेच के निकलना चाहेगा विजय माल्या डिड द सेम थिंग बेचो निकलो कई बार ऐसा होता है कि अगर कभी ईडी इनकम टैक्स एंड एटसेट्रा की रेड पड़ गई और उनको पता चल गया कि भैया ये क्या करने वाला है ये निकलने वाला है इनकम टैक्स में एक सेक्शन है आगे चल के आप सीखते हो दैट हैज पावर आपको क्या इशू करेगा लेटर पे द टैक्स राइट नाउ तो ये एक पावर है कि अगर उसको कभी भी ऐसा लगता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दोगे इन ऑर्डर टू अवॉइड टैक्स तो आपको ए ओ का लेटर आएगा और बोलेगा अभी टैक्स भर तेरे को अभी भरने की जरूरत है हालांकि इनकम टैक्स ने इतनी पूर्ति कभी दिखाई नहीं है ये एक पावर है जो यूज किया जा सकता है ये एक पावर है लेकिन ये पावर का इस्तेमाल आज तक कभी कभी इतना पूर्ति से काम ही नहीं हुआ समझ में आ रही बात यह एक पावर है जो यूज किया जा सकता है एंड person leaving इंडिया पर्सन leaving इंडिया परमानेंटली पर्सन leaving इंडिया परमानेंटली तो मान लीजिए ये अपनी नियति को यू नो <coughs> कनाडा में जॉब मिल गई बराबर है इसको अपने कनाडा में जॉब मिल गई अब ये बोलती है कि भैया मैं वहीं रहूंगी मेरे को इंडिया में नहीं आना मैं वहीं रहूंगी मेरी शादी भी उधर बच्चे भी उधर सब उधर मैं इधर नहीं आने वाली नाउ अंडरस्टैंड इज शी लिविंग इंडिया परमानेंटली वीजा के लिए जब आप अप्लाई करोगे ना परमानेंट वीज़ा के लिए वन ऑफ द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इज इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जब तक इंडिया में इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक ये लड़की बाहर नहीं जा पाएगी परमानेंट वीजा के लिए जब आप किसी और कंट्री के लिए अप्लाई करते हो तो ये परमानेंट आस्पेक्ट है समझ में आई बात क्या आप जानते हैं क्या आप जानते हैं दिस हैजिन आस्ट ट्वेल्व टाइम्स इन सी एग्जामिनेशन एट टाइम्स इन सी एस एग्जामिनेशन एंड इट हैज बिन नाइन टाइम्स इन सी एम ए एग्जामिनेशन तो आप समझ गए कि ये इंपॉर्टेंट है आपको नहीं लगता आज तीनों चीजें इंपॉर्टेंट डील हुई पर्सन एस एस सी प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर वॉज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट Exception to the general rule, income of previous years taxable in assessment year. 12 times asked in this examination, पांच point लिखने के हैं, ले दे के तीन से चार माह के लिए पूछेगा, yes, हाँ जी, एक-एक करके, जी, every time you have to give it, आपको clearance देना है, जी, अगर आप परमानेंट वीजा मांग रहे हैं, वीजा नहीं, परमानेंट वीजा तो उनने पहले ही वीजा अप्लाई करते वक्त दिया होगा ना अभी तो सिर्फ गए होंगे जैसे अगर आप देखो यूएसए का वीजा दस साल के लिए मिलता है तो जब फर्स्ट टाइम अप्लाई करते रहते तभी आपने ही करना पड़ता है तो बाद में आप सिर्फ कर सकते हो आ जा सकते हो इज दैट डन हैश टैग ब्रो बहुत टाइम बाकी है रुको सब्र करो बारह टाइम पूछा है कुछ तो करना पड़ेगा ना इसका नहीं तो मजा कैसे आएगा बराबर है कि नहीं है ठीक है पेन वेन सब नीचे रखो कुछ काम नहीं अभी पेन का इधर सुनो तो बात उन दिनों की है जब बात उन है। बात उन दिनों की है जरा ध्यान से सुनना आपको मजे हाँ तो बात उन दिनों की है सुनो दो हेलो आर यू विथ मी ये कितने तो बात उन दिनों की है जब ये मेरा भाई अवनीश राइट right? एक दिन बीच पे गणपति डांस कर रहा था बीच पे क्या कर रहा था गणपति डांस कर रहा था इतने में वहां से एक शिप आई वहां से कौन आई शिप शिप से उतरी एक सुंदर कन्या शी वॉज फ्रॉम शेज रिपब्लिक रशिया ऑल्सो कॉल्ड एज रिपब्लिक ठीक है सो so, बात उन दिनों की है जब ये मेरा भाई अवनीश क्या कर रहा था अरे बोलो ना क्या कर रहा था इतने में एक शिप आई शिप से उतरी एक सुंदर कन्या सुंदर कन्या इधर उधर देख रही थी कि इंडिया में क्या चल रहा है गणपति के टाइम पे अचानक उसकी एक नजर बहुत ही हैंडसम खूबसूरत स्लिम फिट बंदे पे पड़ी नाम क्या था उसका अवनीश वो अवनीश के पास गए अवनीश को तुम मेरे साथ चलो प्लीज आई इंसिस्ट तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें रॉक स्टार बनाऊंगी यस मैं तुम्हें क्या बनाऊंगी रॉक स्टार अवनीश अपने गाँव का आदमी यस अवनीश अपने नांदेड़ से आया था गाँव का आदमी नंदी, यू नो अवनीश you know, बोलता है हाउ हो हाँ, चलो ना जिधर चलना है लड़की लड़की बोलती है चलो ना प्लीज अब भी चलो अवनीश कहता नहीं नहीं मेरे दो काम है मैं करके आता हूँ मैं पहले अपनी दुकान का सारा सामान बेच के आता हूँ और अपनी दुकान बंद करके आता हूँ अवनीश ने क्या कहा मैं कितने काम करके आता हूँ दो मैं अपना सारा सामान और अपनी दुकान अवनीश भागते भागते गया दोनों काम करके आया जैसे ही वापस आया लड़की कहती है ओ अवनीश तुम कितने मुझे तुमसे दो वादे चाहिए मुझे तुमसे कितने वादे चाहिए तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे तुम मुझे छोड़ के और ये इंडिया जैसी प्लेस पर दोबारा कभी नहीं आओगे कितने वादे मांगे तुम तो मुझे छोड़ के और ये इंडिया जैसी प्लेस पर दोबारा तो आप चलो मैं तुमको रॉक स्टार बनाऊंगी ठीक है चलिए समझते हैं वापस से अवनीश कर क्या रहा था बोलो बोलो अच्छा। हंस रहा था नहीं हंसना तो चाहिए ही <laughs> अवनीश कर क्या रहा था गणपति डांस इतने में कौन आई अबे लड़की नहीं सिपाही <laughs> अबे अखंड सिंगल लोगो कन्या नहीं सिपाही ओ चम्मी कपूर क्या आई सिप लड़की आई कुछ भी हाँ अनिश क्या कर रहा था इतने में कौन है डांस नहीं गणपति डांस क्या कर रहा था इतने में कौन आई कन्या नहीं आई कौन आई शिव शिव से उतरी एक कन्या। सुंदर कन्या उसने कहा उसने कहा अवनीश मैं तुम्हें क्या बनाऊंगी जैसी वो आई अवनीश ने कहा मैं अपने दो काम करके आता हूं अपना सारा सामान अपनी दुकान जैसी वापस आया लड़की ने इससे दो वादे मांगे तुम मुझे छोड़ के कुछ लड़कियां बोलने से डर रही अरे तुमको नहीं बोलना ये वो बोल रही है तुमको सिर्फ स्टोरी टेल बनना है हाँ तुम मुझे छोड़ के और ये इंडिया जैसी प्लेस पे दोबारा पक्की बात सबसे पहले अवनीश क्या कर रहा था एओपी बी आई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन फिर कौन आई नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस अवनीश कहता है मैं कितने काम करके आता हूं अपना सारा सामान अपनी दुकान जैसी अवनीश वापस आया उसने कहा तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे फालतू इंडिया जैसी प्लेस पे दोबारा कभी नहीं आओगे अरे किसी तरीके से तो याद रखना पड़ेगा बार पूछा है भाई, याद होना चाहिए। अब समझा क्या था ये स्टोरी कुछ लोग क्वेश्चन में पढ़ाते मास्टर को हुआ क्या है अब समझ में आया क्या था चलो स्टार्ट अगेन कैसे याद रखोगे जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस टैक्सेबल इन ईयर इसके कुछ एक्सेप्शन है एवरीबॉडी लेट स्टार्ट एक्सेप्शन अवनीश क्या कर रहा था गणपति फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन इसलिए गणपति याद रखना है इत्ते में कौन आई शिप शिप से कौन उतरी? सुंदर कन्या ये सिर्फ और सिर्फ आपके मूड बनाने के लिए अरे ऐसा वाला मूड हाँ अवनीश बोलता है, मैं दो काम करके आता हूं अपना सारा सामान अपनी दुकान जैसे वापस आया तुम मुझे छोड़ के इंडिया जैसी प्लेस पे दोबारा गणपति से क्या याद आएगा ओ बी आई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन इतने में कौन आई नॉन रेसिडेंटशिप नॉन रेसिडेंटशिप आई शिप से कौन होती ठीक है तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे इंडिया जैसे सॉरी इंडिया जैसी प्लेस पे दोबारा कभी नहीं आओगे ये तो आगे का है क्लोजर ऑफ बिजनेस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे इंडिया जैसी प्लेस पे दोबारा कभी नहीं आओगे पर्सन लीविंग इंडिया परमानेंटली आई यू गेटिंग द पॉइंट थर्ड टाइम स्टार्ट देर आर सेटरडे अच्छा क्या मैं कह सकता हूं इन पांच केसेस में जिस साल आपने इनकम कमाई टैक्स भी उसी साल देना है क्लियर है मालिक सिर्फ इन पांच केसेस में जिस साल इनकम कमाए उस साल अदरवाइज जो भी आप कमाओगे सीधा अगले साल दोगे इन पांच केसेस में सिर्फ और सिर्फ इसी साल में टैक्स देना है स्टार्ट अगेन गो अवनीश क्या कर रहा था तुमको अवनीश चाहिए अपना वाला कोई भी फिट कर दो कोई तकलीफ नहीं है ठीक है इतने में कौन आई कौन उतरी सुंदर कन्या सुंदर कन्या ने बोला मैं कि, मैं तुम्हें क्या बनाऊंगी ये बोला मैं कितने काम करके आता हूं अपना सारा सामान अपनी दुकान जैसे ये वापस आया लड़की ने कितने वादे मांगे दो, दो बिल्डर स्टोरी तुम तो मुझे छोड़ के इंडिया जैसी प्लेस पे दोबारा गणपति से क्या आएगा एओपी बी ओ आई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन कम अगेन एओपी पी बी ओ आई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन दूसरा नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस कौन सा नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस तीसरा क्लोजर ऑफ बिजनेस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली इन पांच केस में जिस साल इनकम कमाई उसी साल टैक्स देना है बाकी हर केस में जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। लास्ट टाइम एक बार बोल दो प्लीज 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 अब मैं तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ठीक है इंपॉर्टेंट पर्सन का डेफिनेशन एजेपी असेसी अगर आप एवरी पर्सन लाइबल टू पे टैक्स और प्रोसीडिंग इज गोइंग ऑन और क्लबिंग इज मेड और असेसी इन डिफॉल्ट और डीम टू बी असेसी ये सब कौन माने जाएंगे असेसी जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट असमेंट इशटैक ब्रो कैन असेसमेंट ईयर बी ऑफ लेस देन ट्वेल्व मंथ नेवर क्या प्रीवियस ईयर एक दिन का भी हो सकता है इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन अरे इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन अरे इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन क्या इसके कुछ एक्सेप्शन है एक्सेप्शन मतलब ये पांच इनकम पे टैक्स उसी साल देना है अभी क्या अभी पांच केसेस कौन कौन से अवनीश क्या कर रहा था इतने में कौन आई तुम मुझे मैं तुम्हें क्या बनाऊंगी कितने काम करके आता हूं अपना सारा सामान अपनी दुकान तुम तो मुझे छोड़ के इंडिया जैसी प्लेस पे दोबारा गणपति से याद आएगा शिव से याद आएगा तीसरा क्लोजर ऑफ बिजनेस चौथा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स पर्सन लिविंग इंडिया कलल का प्लीज सेक्शन चार में जाओ आई एम सो सॉरी आई एम सच अ स्लो टीचर मैं तुम्हें जब से यही पढ़ाया जा रहा हूँ आई एम सच स्लो टीचर किसी बच्चे ने मुझे बताया मार्केट में टैक्स चालू हो गया मैं बोला अच्छी बात है भाई। I can't teach it. मेरे बच्चे को जब तक एक एक वर्ड नहीं पता हो मैं तब तक के कैसे समझाऊँ उसको पर अब आप देखो सेक्शन चार का हर एक वर्ड तुमको पता है चेक इनकम टैक्स इज पेबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट स्पेसिफाइड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन प्रीवियस ईयर अब जरा इसे सरल हिंदी भाषा में सोचिए किसी भी पर्सन की प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पे इनकम टैक्स देना है असेसमेंट ईयर में उस रेट पे जो फाइनेंस एक्ट में लिखा है आप समझा तीन दिन से क्या करवा रहा हूं ये करवा रहा हूं वापस लिंक करेंगे सेक्शन फोर वापस पढ़ो इंग्लिश में इनकम फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट स्पेसिफाइड इन एनअल फाइनेंस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन प्रीवियस ईयर क्लियर है किसी भी पर्सन की टोटल इनकम पे इनकम किसी भी पर्सन की प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पे इनकम टैक्स देंगे असेसमेंट ईयर में उस रेट पे जो फाइनेंस एक्ट में लिखा है ये है डेफिनेशन का मतलब कल का अब हमने इनकम टैक्स पढ़ लिया असेसमेंट प्रीवियस पढ़ लिया तो प्रीवियस ईयर की इनकम कब टैक्स पे करना है असेसमेंट इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन इज देर फाई एक्सेप्शन अदरवाइज जनरल रूल इज एप्लीकेबल अब हमें क्या पढ़ना है रेट ऑफ टैक्स अब हमें क्या पढ़ना है रेट ऑफ टैक्स समझ में आ रहा है बच्चा अब हमें पढ़ना है रेट ऑफ टैक्स आ जाओ

एक होता है नॉर्मल टैक्स रेट एक होता है स्पेशल टैक्स रेट इस धरती पर टैक्स कितने प्रकार के हैं दो नॉर्मल टैक्स रेट स्पेशल टैक्स रेट नॉर्मल टैक्स रेट आर प्रिस्क्राइब बाय फाइनेंस एक्ट यही तो लिखा था एट द रेट स्पेसिफाइड इन एन्यल फाइनेंस एक्ट तो ये जो नॉर्मल टैक्स रेट है ये हर साल कहाँ से आते हैं फाइनेंस एक्ट लिंक कर बेटा बजट आता है बजट टैक्स रेट देता है आगे आने वाले सालों के लिए लिंकिंग कर इसलिए हर साल टैक्स चेंज हो सकता है रेट चेंज हो सकता है क्योंकि ये हर साल कहाँ से आता है बजट समझ में आ रही बात तो बजट हमें बताता है कि आगे आने वाले साल का टैक्स रेट क्या होगा पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स आर प्रिस्क्राइब इन इनकम टैक्स एक्ट स्पेशल रेट आर प्रिस्क्राइब इन इनकम टैक्स एक्ट बराबर है स्पेशल रेट आर प्रिस्क्राइब इन इनकम टैक्स एक्ट ठीक है अब एक सबसे बड़ा चेंज सबसे बड़ा चेंज जस्ट गिव मी टू टू थ्री मिनट एक्स्ट्रा सबसे बड़ा चेंज अंडरस्टैंड टैक्स रेट क्लियर है ठीक है पेन वेन रख दो अब तुम्हें काम नहीं है समझना देखिए टैक्स के दो स्कीम है टैक्स हैज टू स्कीम वाई वी आर हियर डिस्कसिंग एक बहुत बड़ा चेंज आया है ये चेंज ऐसा है पहले था एक ओल्ड स्कीम और एक को कहा जाता था ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम मतलब एक था नॉर्मल टैक्स स्कीम एक था ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम एवरीबॉडी प्लीज 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 तीन मिनट दो क्योंकि टैक्स वाला पार्ट गलती से भी मिस नहीं करना एक था ओल्ड स्कीम और एक था ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम एक था ओल्ड स्कीम एक था ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम जनरली 1961 से टैक्स नॉर्मल तरीके से ही निकाला जाता था ओल्ड स्कीम और ये ऑप्शनल था ये क्या था ऑप्शनल आप चाहे तो इससे टैक्स निकालें आप चाहे तो अगर आप इसमें नहीं जा रहे तो बाय डिफॉल्ट में आप पे ओल्ड स्कीम एप्लीकेबल है तो आप जनरली ओल्ड स्कीम से टैक्स निकालते थे और कुछ लोग चाहे तो वो न्यू स्कीम में ऑप्ट कर सकते थे कुछ लोग चाहे तो न्यू स्कीम में ऑप्ट कर सकते थे मतलब आपने अगर कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया नॉर्मल रेट ओल्ड स्कीम अगर सिलेक्ट किया तो ही न्यू स्कीम तो दो तरीके की स्कीम थी ओल्ड स्कीम जो 1961 से चली आ रही थी और 2019 से एक नई स्कीम लाया था न्यू स्कीम ये न्यू स्कीम क्यों लाया इसमें टैक्स रेट कम कर दिए, पर कहा हम कुछ डिडक्शन और एग्जाम्शन नहीं देंगे लोअर टैक्स देंगे और अगर आपको सारे डिडक्शन एग्जामिशन चाहिए तो हायर रेट पे पे करो ये कंसेप्ट हमने अमेरिका से अडॉप्ट किया या तो सारे मजे करो और हायर रेट पे पे करो या तो कुछ डिडक्शन एग्जामिशन छोड़ दो और लोअर रेट पे पे करो आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है आप सिलेक्ट करो आपको क्या करना है वो कहते हैं ना कुछ बच्चे हमारे को सीरियसली पढ़ना है और कुछ बच्चे कहते नहीं यार क्लास में थोड़ा तो फन होना चाहिए हमने दोनों ऑप्शन दे दिए ये चाहिए ये ले लो ये चाहिए ये ले लो जो चाहिए वो ले लो ठीक है अब अंडरस्टैंड बिग चेंज अब तक के ऐसा होता था आपने कुछ सिलेक्ट नहीं किया बाय डिफॉल्ट में कहा जाते थे ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम को क्या करना पड़ता था ऑप्ट पता नहीं निर्मला दीदी के मन में क्या आया आपको समझा क्या हुआ यह स्कीम क्या थी ओल्ड ये स्कीम क्या थी न्यू इस साल तुम्हारा सिलेबस ही नहीं फाइनेंस एक्ट ने टैक्स कैलकुलेशन का गेम भी बदल दिया ऑप्शनल बिकेम मैंडेटरी मैंडेटरी बिकेम ऑप्शनल मतलब सिर्फ सिलेबस नहीं टैक्स कैलकुलेशन ही पूरा बदल गया इसलिए जितने बच्चे नवंबर 23 दे रहे हैं ना मैंडेटरीली मे 24 के लिए उनको क्लास करना पड़ेगा दो रीज़न फाइनेंस एक्ट भी बदल गया टैक्स कंप्यूटेशन भी बदल गया अब अगर प्रॉब्लम में कुछ नहीं लिखा तो अल्टरनेटिव के हिसाब से निकालना पड़ेगा और ओल्ड स्कीम ऑप्ट करनी पड़ेगी बट द बिग आयरन इज जब तक आप ओल्ड स्कीम नहीं पढ़ते तब तक आपको न्यू स्कीम नहीं समझ आ सकती जब तक आप क्या नहीं पढ़ लेते ओल्ड स्कीम से टैक्स निकालना नहीं समझ लेते तब तक आपको न्यू स्कीम से टैक्स निकालना समझ ही नहीं आ सकता सो ह्यूअर वी इन क्लास इवन दो दिस पैटर्न चेंजड पहले ओल्ड स्कीम समझनी पड़ेगी फिर ही तुम क्या समझ पाओगे न्यू स्कीम समझ में आ रही है बात हा या ना ठीक है एक बार फिर से इस कंसेप्ट को बस लास्ट टाइम एक थी ओल्ड स्कीम टू टैक्स एक थी न्यू स्कीम ओल्ड स्कीम नाइनटीन सिक्सटी वन से चली आ रही है जबकि न्यू स्कीम टू थाउजेंड नाइनटीन से चली आ रही है जब तक लास्ट ईयर तक जब तक कुछ ना कहते टैक्स हमेशा का निकलता ओल्ड और अगर एस एस ऑप्ट करता तो टैक्स कैसे निकलता न्यू इस बार सरकार ने बाई डिफॉल्ट में गेमे उल्टा कर दिया अब अगर कुछ ना कहा जाए तो टैक्स कैसे निकालना है न्यू स्कीम और किसी को चाहिए तो वो ऑप्ट कर सकता है ओल्ड स्कीम द होल टैक्स कंप्यूटेशन चेंज्ड उनने सीधा गेम ही पलट के रख दिया अब सिचुएशन ये हो गई कि आपको टैक्स कुछ ना बोला जाए तो न्यू स्कीम से निकालना है अनलेस एंड अनटिल आपको ओल्ड स्कीम बोला जाए बट आयरन इज जब तक कि आप ओल्ड सिलेबस ओल्ड टैक्स कैलकुलेटिव नहीं पढ़ते आपको न्यू क्लियर नहीं हो सकता तो हम सबसे पहले ओल्ड टैक्स स्कीम से चालू करेंगे और फिर क्या चालू करेंगे न्यू स्कीम सो टैक्स स्कीम के नाम पे हमारे पास दो चीजें हैं। एक है ओल्ड स्कीम और एक है न्यू स्कीम और न्यू स्कीम को क्या बना दिया गया है डिफॉल्ट स्कीम ये न्यू स्कीम क्या बन चुकी है बोलो बच्चों डिफॉल्ट स्कीम ओल्ड स्कीम कैन बी ऑप्टेड ओल्ड स्कीम कैन बी ऑप्टेड पर ये बन गई है आपकी डिफॉल्ट स्कीम और नीचे लिखो फर्स्ट वी विल लर्न बोलो बेटा ओल्ड स्कीम फर्स्ट वी विल लर्न ओल्ड स्कीम तो सभी बच्चों संडे का दिन मिल रहा है जिसका भी जो भी बैकअप बाकी होगा स्पेशली डीटी का मेरे को बाकी सब्जेक्ट का नहीं पता अगर आपका डीटी का कुछ भी बैकअप बाकी है मेरे को मंडे के दिन कंप्लीट करके ही मिलना तो टैक्स कैलकुलेशन समझ में आएगा मंडे के दिन पूरा पढ़ के ही आने का तो ही टैक्स कैलकुलेशन समझ में आएगा आपका स्टिल कोई दोस्त आना चाहता है मंडे से बुला लो टैक्स कैलकुलेशन है मंडे से 100 परसेंट टैक्स कैलकुलेशन चालू हो रहा आंधी आए तूफाए या अंबर फट जाए अगला पूरा हफ्ता डीटी में मिस नहीं करने का आंधी आए तूफाए या अंबर फट जाए कोई बीमार भी है तो उठ करके आने का चुपचाप समझ में आया बाय बोलो बच्चो एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज कम इफ कोचिंग इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी कंपनी रजिस्टर्ड एज अ फर्म फर्म रजिस्टर्ड एज अ प्रोपराइटर इंडिविजुअल यस सर एनी स्टूडेंट इन्नी कर्ंड आउट आउट नो स्टूडेंट नो कर्ंडट एक मिनट सर मई तेईस वाले डेमो लेक्चर में टैक्स कैलकुलेशन दिया था वापस मई ट्वेंटी फोर के लिए टैक्स कैल्कुलेशन सीखना पड़ेगा क्या हाँ सूरज वापस पढ़ना पड़ेगा हु विल ऑप्ट डिपेंड करता है किसको क्या डिडक्शन चाहिए दे विल ऑप्ट एक मिनट है ना सर बैंक इज वॉट मोस्टली बैंक इज कंपनी सर हॉस्पिटल किस में आएगा डिपेंड करता है हॉस्पिटल पार्टनरशिप बोल के रजिस्टर्ड हुआ है या कंपनी कुछ नहीं हुआ तो एओपी में तो आ ही जाएगा सर हाउ मेनी जनरेशन ऑफ एच यू एफ सेपरेट पैन एओपी बी ओ आई द मूमेंट नेक्स्ट जनरेशन आया वो पहले वाला पैन सरेंडर कर देगा ना उसके मिसयूज कर सकते लेकिन टैक्स के इंटरेस्ट बजे ना हाँ सर वो तो होगा ही इस सर टुमारो क्लास नो संडे एंजॉय भाई कल क्लास नहीं है एक संडे एंजॉय कर लो मैं जानता हूं तुम्हारी इच्छा हो रही है कल आने की दर्शन सर ले रहे हैं नहीं नहीं मेरा डीटी नहीं है कल सर एनपीओ किस में आएगा बेटा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो जनरली एजेपी के अंदर में आते हैं बोल दिया फ्लॉकी हाँ जी मार्च में ओपन किया मार्च का इनकम इस साल गया अप्रैल टू मे जून जो भी है तो उसी साल टैक्स पे करेगा अप्रैल से जून तक के इनकम पे एक्सेप्शन में आया ना क्लोजर ऑफ बिजनेस तो मार्च वाला हमने पहले अलग कर दिया ना भाई और अप्रैल से जून अलग कर दिया तो मार्च वाले पे तो कंसेप्ट उधर लगा ही नहीं ना सिर्फ अप्रैल से जून वाले पे लगा कर्ता का का अलग बनता है, का अलग पैन बनता बनता, है, दोनों का अलग। इंडिविजुअल है, हाँ। और है, और सेपरेट पर्सन पर्सन जी। चैप्टर नंबर रेसिडेंशियल स्टेटस हो जाएगा ये सॉल्व। सिंगल मतलब विजय? एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब कंपनी बोल ऋषभ तो, हाँ। तो एक इंडिविजुअल और कंपनी मिलके भी तो एओपी बना सकते ना वही एग्जांपल लिखा था हमने विजय ऋषभ हाँ जी भाई सर अगर हुआ को, हाँ तो उसका का कैसा एक दिन का इनकम भी प्रीवियस ईयर होता है।, पर के आ, उसका में है हाँ तो टेक्निकली आप 31 मार्च को तो दोगे नहीं कॉन्सर्ट रात में होगा हाँ। आप उसको असेसमेंट ईयर में दे दोगे हाँ होता चल जाता है देर आर एक्सेप्शन हाँ। ये अगर एक साल के अंदर में टी डी एस टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर ये तो पहले के साल में हुआ होगा ना जुलाई और में जुलाई अगस्त में आता वो मार्च तक के चलता अगले

क्योंकि क्या करता है वो वो अपना अलग एच खुद चालू कर देता सिर्फ दो दिन रुकते को समझ में आएगा आरजी ने ऐसा क्यों बोला बोला सही उसने क्योंकि

जो अल्टरनेटिव न्यू स्कीम था ना इट रिड्यूसीज द टैक्स सो इट्स अ रिलीफ टू पीपल एट लार्ज जनरली इंडिया में अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी फर्स्ट मार्च आपको वही करना पड़ता है इवन इन केस ऑफ अ फॉरेन कंपनी फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी फर्स्ट मार्च जनवरी टू डिसंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ okay. so like तो दे अगेन हैव टू ऑपरेट लाइक इंडिया ओनली फॉर इंडियन टैक्स कैलकुलेशन हाँ कैलकुलेशन के बाद अगर रिफंड आ रहा है तो रिफंडेबल दो मिनट भाई ऑनलाइन वालों तुम्हारा भी दे रहा हूं अगर एकत्वम लिमिटेड ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो एकत्वम लिमिटेड इज एस इन डिफॉल्ट हाँ जी चलो आए ऑनलाइन वालों तुम्हारे सवाल सबसे पहले आयुष सर वाई टैक्स इन केस ऑफ लोकल अथॉरिटी एज वु मनी ट्रांसफर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नो अंडरस्टैंड वन लेवल टू अनादर ऐसा नहीं है लोकल अथॉरिटीज़ को एक सेपरेट पर्सन ट्रीट किया गया है इनकम टैक्स में एंड दैट इज द रीज़न दे आर सब्जेक्ट टू टैक्स फिर आ रहे हैं अनिरुद्ध अगर कंपनी एक एक दो को रजिस्टर्ड हुई और 31 मार्च 2024 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया तो भी तभी देना होगा ना अनि तो, तो, तो देखिए कंपनी इनकम कब से अर्न करना चालू कर रही है उस पर डिपेंड करता है कि उसका प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होगा सर एल में अनलिमिटेड वाला पॉइंट नहीं समझा अंडरस्टैंड वेन इट कम्स टू इनकम टैक्स लाइबिलिटी द लाइबिलिटी इन केस ऑफ एल एल पी एंड इंडिविजुअल पार्टनर इज अनलिमिटेड सर ओल्ड एंड न्यू स्कीम में फिर कोई एज सच डिफरेंस नहीं बनाना शिवांगी अब ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम के अंदर में जजमेंट करने के लिए बहुत जल्द ही आ चुकी है एक्जैक्टली exactly चार पांच बार डिसाइड करेंगे कि कोई बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ सर हाउ डू दे कीप ट्रैक रिकॉर्ड फॉर एवरी एक्टिविटी और कंसर्न लाइक हाउ वुड दे नो दैट बादशाह हैज़ कम टू अ पर्टिकुलर सिटी इन एकत्वम और समथिंग अंडरस्टैंड सर उन बादशाह को जो पेमेंट किया जाएगा वो ब्लैक में थोड़ी नहीं किया जाएगा दैट तो व्हाइट में ही किया जाएगा वहां पे क्लैरिटी आएगा ना कि किस तरह से उसने कहाँ कहाँ कॉन्सर्ट किया है प्लस उनके शेड्यूल से निकाला जाता है कि किस तरीके से कॉन्सर्ट कहाँ कहाँ हुए हैं सर वाइफ की पर्सनल इनकम हस्बैंड के इनकम में क्लब होगी क्या भाई वाइफ इज अ सेपरेट पर्सन हाउ सी ए पल्लवीज इनकम कैन बी टैक्स टू सी ए विजय मैं बोलूंगा ना वो मेरे को पैसे नहीं देती उसका उसको टैक्स भराओ इनकम टैक्स वन लाख पे कैलकुलेट होगा लास्ट में जाके टी डी एस कट होगा सर आगे के क्लास कहाँ से होंगे रिक्वेस्टिंग यू मैं तीन चार लेक्चर और ही सिर्फ यूट्यूब पे लेने वाला हूँ तो आप सभी लोग मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट को कल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो कल ऑपरेट करे आप सब अपने जितने भी लोग ऑनलाइन वाले हैं सब ऐप पे शिफ्ट हो जाओ मंडे से मंडे से प्लीज सब ऐप पे शिफ्ट हो जाओ एंड जो जो लोग डेमो ले रहे हैं ये है अगर आपने देख लिया होगा कि मैं सामने से कैसा दिखता, से कैसा कैसा दिखता दिखता इधर इधर मतलब आपका डेमो अगर खत्म हो गया होगा कि हाँ इस आदमी को पढ़ाते आता है तो उनका एडमिशन कंप्लीट कर लेना शादी कर रहे हैं चलो जी भाई साहब थैंक यू सो मच बाय टेक केयर अब नहीं इतने देर से क्यों नहीं पूछा रहे